ये ये तो आई आई होप यू आरिंग वेल एम वीर वेलकम टू फैमिली कैसे हो मेरे दोस्तों मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो तो पहले तो ये बताइए द जॉस जॉस इतना हाई होना चाहिए कि कम से कम पूरे सप्ताह बना रहना चाहिए मतलब आज है संडे संडे को फंडे बनाते हुए स्टडी डे भी बनाएंगे बहुत ही शानदार आज का ये डिस्कशन होगा और आप लोग के सामने मैं मॉर्निंग में एग्जैक्ट सिक्स ए एम आप लोग के सामने प्रस्तुत हूँ लेके बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट एक बच्चा कह रहा है कि सर बैलेंस डाइट की जगह क्यों ना इसको बैलेंस ब्रेकफास्ट बोला जाए <laughs> डाइट बोलो या फिर ब्रेकफास्ट बोलो सेहत बननी चाहिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ही है सेहत बन रही है कि नहीं बन रही है वो आप लोग बताइए <laughs> तो अच्छे से एंजॉय करो यार बैलेंस डाइट क्यों बोला गया क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पी सारे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके आर्टिकल देखने को मिलते हैं बहुत ही डिटेल में बहुत कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आज के इस डिस्कशन में आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में भी रिसेंटली चीता इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट डे हम लोग देखेंगे और डॉक्टर जो है उसके बारे में एक आर्टिकल है बेसिकली डॉक्टर क्या डोलो के बारे में है डोलो एक ऐसी दवाई जो कि हर एक इंसान ने अक्सर जो है वो खाई जरूर होगी तो उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी है उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा और इसी के साथ में यहाँ पर एक आर्टिकल जो होगा वो स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड होगा आप लोग एक मिनट सोच के देखें <laughs> स्वामी विवेकानंद जी जिस टाइम पर थे वो एक अलग टाइम था अगर आज के टाइम पर स्वामी विवेकानंद जी होते और वो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होते आप लोगों को लग रहा है कि वो किसी को छोड़ते कभी भी वो मतलब टॉप पोजिशन मतलब ये नहीं एक तरीके से एक इंसान है कि वो पेपर देना है वो उसको टॉप पोजिशन हर बार इसी इंसान की आनी थी ठीक है <laughs> तो कहने का मतलब ये है कि अपनी जिंदगी में ऐसी एकाग्रता लेकर आप लोगों को आनी है कि आप लोग सिंगल पॉइंट पर फोकस अपना लगा सके और ये कैसे होगा इसके लिए है आप लोगों के सामने ये कोटेशन जो कि ये चीज अचीव करने में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी बोला क्या गया है बोला गया है कि जो बदला जा सके उसे बदलिए ये आप लोगों की जिंदगी में शांति लाएगी जिससे कि आप लोग अपने काम पर फोकस ला पाएंगे बोला गया कि जो बदला जा सके यार उसको तो बदल लो ठीक है जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लो कि हाँ ये ऐसा ही रहने वाला है ठीक है किसी को आप लोग चेंज नहीं कर सकते उसके स्वीकार कर लो कि ऐसे ही रहने वाला है अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ठीक है उसके साथ में रहिए नहीं अच्छा लगता है तो कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढिए ठीक है तो यहां पर नेक्स्ट बोला गया जो स्वीकार न जो स्वीकारा न जा सके यानी कि जो आप लोगों को लग रहा है कि यार ये तो झेल नहीं पाऊंगा मैं इस इंसान को ये तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि बस दूर हो जाए मेरे से तो रियलिटी में ये है कि उससे आप लोग को दूर हो जाना चाहिए ठीक है तो यानी कि जो बदला जा सके उसे बदलिए जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करिए पर जो स्वीकार भी न किया जा सके उसको दूर कर दीजिए ठीक है पर लेकिन खुद को खुश रखना सीखिए जब तक आप लोग खुद को खुश रखने का जो जुम्मेवारी है वो अपने ऊपर नहीं लेंगे और किसी और के ऊपर आप लोग डालेंगे तो तब तक जिंदगी में आप लोग खुश नहीं रह पाएंगे आप लोगों को अपने आप को खुश रखना है ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपना शरीर आप लोगों को हेल्दी रखना है ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप लोगों की आंखें जो हैं वो खराब हो रही हैं तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका ध्यान रखिए अगर आप लोगों की बॉडी पर फैट चल रहा है तो ये आप लोगों की रेस्पॉसिबिलिटी है और उसका ध्यान रखिए आप लोग खुद सोचो एक बहुत शानदार सी कार जो है वो आप लोगों को मिली है किसी ने गिफ्ट की है आपके चाहने वाले ने किसी ने किसी और वो कार जो है वो इतनी शानदार है और आप लोगों को ये बोल दिया है कि पूरी जिंदगी तुम्हारा को बस यही कार रहेगी तुम्हारे पास में इस कार को तुम बदल नहीं सकते हो बस ये एक ही कार है जो तुमको पूरी जिंदगी अपने आप अपने पास रखनी है मतलब आखिरी सांस तक इस कार के अलावा तुम्हारे पास में कोई कार नहीं होने वाली है इसकी सर्विस करो मरम्मत करो कुछ भी कर लो इसमें जिसका ढांचा बदल लो जो भी करना है तुमको और ज़्यादा तुम चेंज भी नहीं कर पाओगे एक सिस्टमेटिक वे में ही चेंज कर पाओगे तो वही कार जो है तुमको एंड तक रखनी है तो आप लोग उस कार को कैसे रखोगे आप लोग ऐसा लगेगा यार जिंदगी में ही एक ही चीज़ मिल रही है अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो दिक्कत हो जानी है आप लोग उस कार को जो सोच रहे हो वो कार बिल्कुल अगर कंपेयर करोगे तो आप लोग की बॉडी है जो बॉडी अभी आप लोगों को मिली है ना वो एक ही है भाई साहब ये दूसरी नहीं मिलने वाली है यहां कुछ दिनों बाद चला चुलाए पसंद नहीं आ रही दूसरी बॉडी ले लेते हैं ठीक है ये नहीं पसंद आ रही है आरनोल्ड की लाकर चढ़ा लेते हैं ठीक है आरनोल्ड की पसंद नहीं आ रही तो हल्क की लाकर चढ़ा लेते हैं नहीं मिलने वाली है ठीक है यही रहने वाली है जो मिल गई है ये बॉडी और जो ये चोकटा मिल गया है यही रहने वाला है आप लोगों के पास में तो इसका ध्यान रखना इस बॉडी का ध्यान रखना जो भी आप लोगों की कंप्लीट बॉडी है उसको आप लोगों को साफ रखना उसको एक तरीके से स्वस्थ रखना ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इस बॉडी के अंदर जो आत्मा है जो दिल है उसको भी खुश रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की है तो ये अगर आप लोग ही नहीं करेंगे तो फिर ये चीज जो है वो सही नहीं रहने वाली है ठीक है और जैसे ये चीजें खुश हो जाएंगी आपकी बॉडी अच्छी रहेगी स्वस्थ रहेगी आप लोगों का दिल खुश रहेगा करियर में आप लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे पर लेकिन अगर ये इनिशियल चीज ही हेल्थ ही आप लोग अच्छी नहीं रख पा रहे हो तो फिर यार करियर जो है वो आप लोगों का साइड में आप लोगों को पढ़ावा मिलेगा तो इसलिए सबसे पहले हेल्थ उसके बाद में आप लोगों का करियर आता है उसके बाद में फिर सारी चीजें आगे बढ़ती है क्योंकि ये आप लोगों को एनर्जी देगा आप लोगों को बैठ के पढ़ना है मान लीजिए आठ घंटे ठीक है आठ घंटे बैठ के पढ़ना है पर लेकिन बॉडी में फैट इतना चढ़ा पड़ा है बॉडी में प्रॉपर डाइट नहीं जा रही है तो वो आप लोग को पढ़ने नहीं देगा आप लोग की बॉडी आप लोगों को पीछे खींच लेगी आप लोग अपनी बॉडी को सेट ही नहीं कर रहे हैं कि हाँ यार इस टाइम सोना है इस टाइम उठना है तो इससे आप लोग को दिक्कतें देखने को मिलेगी ठीक है तो ये पर्सनली आप लोगों के लिए सजेशन है अपना सोना उठने का टाइम कम से कम फिक्स कर लिए अब तो आप लोगों के पास में रीजन भी है एक बच्चा कह रहा है कि सर पिटवाना स्टार्ट कर दिया आपने अच्छा खासा सात आठ बजे उठता था सर आठ बजे लेकर आओ वीडियो को हाफ की वजह से घर में डेली चप्पलें पड़ने लगी <laughs> देखो यार चप्पलें पड़ रही हैं तो पॉजिटिव के लिए पड़ रही हैं मम्मी मार रही होंगी और तो कोई मारेगा नहीं ठीक है 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 जो भी मार रहा चप्पलें तो अच्छी बात यहां पर यह है कि जिंदगी में कुछ सुधर जाएगा क्योंकि अभी तो चलो आपकी जिंदगी ऐसी आप डिपेंडेंट हो सोचो आगे चलकर क्या चीजें होने वाली हैं जब आप लोग खुद की शादी होगी खुद के बच्चे होंगे अगर आगे चलकर आप लोगों को अपना परिवार बढ़ाना है अगर वो भी नहीं तो किसी और के भी बच्चे होंगे कोई और इंसान आप लोगों के पास में होगा वो देखकर आप लोग क्या बोलेगा कि यार इस इंसान के पास मत जाना ठीक है इसने जिंदगी में कुछ किया नहीं है ये तुमको भी बर्बाद कर देगा तो सोचो आप लोग इस चीज़ को तो अपनी जिंदगी को सुधारने का ये सही टाइम है तो उसके ऊपर काम करो और चीज़ों को सुधारो ठीक है एक छोटा सा सजेशन जो कि मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा मैं स्टार्टिंग में बोलना चाहता हूँ कल मैंने आप लोगों को बोला अगर आप लोग अपना शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं ठीक है आप लोगों ने डिसाइड किया कि छः बजे उठना है छह बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो आप लोगों को सोरी लिखना है बोला था मैंने इसमें एक नया अपडेट है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली सजेस्ट किया गया आप में से एक ऐसे फैमिली मेम्बर के द्वारा सोरी के सामने आप लोगों को नंबरिंग करनी स्टार्ट कर देनी है आज सॉरी लिखा वन हो गया कल फिर सॉरी लिखा टू हो गया फिर सॉरी लिखा थ्री हो गया इससे क्या होगा आप लोगों को फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि ये सॉरी जो आप लोग लिख रहे हो कितने दिन से लिख रहे हो उसकी नंबरिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो जो भी काम आप लोग करना चाहते हैं और वो काम आप लोग अचीव नहीं कर रहे हैं तो आप लोग उसकी तरफ को मजबूरन फोर्स हो जाओगे और ये आप लोगों का दिमाग जो होता है ना इसको फोर्स करना होता है स्टार्टिंग में आप लोगों को मना करेगा पर जैसे आप लोग इससे काम कराने की आदत डाल दोगे फिर आपके साथ चलना स्टार्ट हो जाएगा ये कैसे होगा आप लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और वो काम क्या है वो कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप लोगों को पिंच हो डेली कि यार आज ना एस के सामने 105 लिख दिया यानी कि 105 दिन से सोरी लिखे जा रहे हैं आज तो एक सौ पांचवा सोरी हो गया कल को 106 हो गया पता चला सोरी के आगे एक हजार एक हजार पांच सोरी आगे तो आप लोगों को लगने लगेगा ये किसी दिन आगे चलकर एक हजार की जगह दो हजार भी होंगे पर मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इनको ज्यादा ना बढ़ाएं बीस पच्चीस दिन मैक्सिमम आप लोग ले अगर लेना है एक महीना ले लें उसके अंदर अंदर आप लोग अपनी बॉडी क्लॉक सेट करिए और फिर चीजों को सही लेकर चलिए ठीक है थेके? तो कैसी लगी ये ट्रिक ये आप लोगों को हेल्प करेगी डेली सोरी लिखो तो उसके सामने नंबर लिखो कितना दिन से आप लोग सोरी लिख रहे हो ओके आई होप कि आप लोग इसके साथ में कनेक्ट हो पाओगे तो आज यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड बेम्बो डे के बारे में जो बैम्बू यानी कि जो बांस होता है आप लोगों ने देखा होगा घर में जो चारपाई होती है तो चारपाई की जो बाही होती है बेसिकली ये वाला जो जो साइड साइड और ये ये वाली जो होती है ये बांस की बनी होती है ठीक है और बांस आप लोगों ने और भी कई जगह देखे होंगे नॉर्मल अगर देखा जाए तो तो इस तरीके से बांस जो होता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताऊं वो एक ग्रास यानी कि घास की कैटेगरी में आता है इससे पहले ये ट्री की कैटेगरी में था पलेकिन ट्री यानी कि जो पेड़ होता है वो काटना अलाउ नहीं है देश के अंदर में तो इसको बांस की कैटेगरी में डाल दिया इससे फायदा क्या है इससे फायदा है कि इसको काट सकते हैं काट के इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है और जो बांस की खेती करते हैं उनको ये फायदा हो जाता है इससे कि वो यहां पर इससे अपना रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपनी रोजी रोटी चला पाते हैं तो ये काफी अच्छा रहा है यहाँ पर ठीक है तो बांस इसीलिए यहाँ पर एक डे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ताकि इसका जो यूज है वो एवरी डे में हम लोग कर सके और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि बांस की खेती के बारे में अच्छी बात बताऊँ आप लोगों ने अगर गांव से आप लोग आते हैं तो गन्ने की खेती आप लोगों ने देखी होगी उसको एक बार बो देते हैं तो फिर एक मान जाता कि दुबरसी पेड्डी होगी अब की बार तिबरसी पेड्डी होगी इसका मतलब ये कि एक बार उगा दी तो दो से तीन साल तक वो फसल चल जाती है गन्ने की उगानी नहीं पड़ती पर ध्यान रखना पड़ता है तो वो चलती रहती है ऐसे ही यहाँ पर बांस की खेती होती है एक बार लगा दो फिर ये अपना अच्छी फसल देना स्टार्ट कर देती है तो ये काफ़ी फायदेमंद है कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा रिटर्न देकर जाती है तो इसका ध्यान रखना जरूरी है और ये एक तरीके से नेचर फ्रेंडली भी है जैसे आप लोग चारपाई बना रहे हो ठीक है अगर आप लोग वहाँ पर कोई प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो ठीक है उसकी जो बाही बनाने में आप लोगों ने देखोगा प्लास्टिक की भी आ रही है लोहा यूज़ कर रहे हो उससे तो अच्छा ही है ना यहाँ पर अगर नेचुरल चीज़ें आप लोग यूज़ कर रहे हो इवन आप लोगों को याद होगा मैंने फरवरी महीने का इसी साल का जब फरवरी महीने इस साल का सर लास्ट ईयर का मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ फरवरी महीने का लास्ट ईयर का आई थिंक लास्ट ईयर का आ या गया याद ठीक है जब मैंने करंट अफेयर की वीडियो बनाई थी उसमें एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था उसमें एक्सीडेंट जो होते हैं ना आज के डेट में तो जहाँ एक्सीडेंट होते हैं मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर रास्ता है और यहाँ पर रास्ते भी बहुत तेज गाड़ी जा रही है और वो यहाँ पे मुड़ना है ठीक है तो यहाँ पर कोई गाड़ी आ रही है उसके ब्रेक फेल हो गए और सामने जाकर टकराई सामने लोहे की रेलिंग थी तो कई बार ये माना जाता है कि वो इतनी टाइट होती है जब कोई गाड़ी उस रेलिंग में जाकर टकराती है उसकी वजह से इतना बड़ा जर्क लगता है कई बार उसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है ठीक है पर लेकिन अगर यहाँ पर बांस का कोई ऐसा रहेगा कि बांस होगा वो इतना टाइट कि वहाँ पर अगर गाड़ी लगे तो उसके अंदर थोड़ा सा लचक पैदा हो वो आगे जाए एकदम जर्क पैदा ना हो तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है इसीलिए जो सड़कों के बराबर में ये बांस से बंधी हुई रेलिंग की बात यहाँ पर की जा रही थी कई सारे बोलेंगे वो टूट जाएगी नहीं उसको इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि उसमें रस्सी का इस्तेमाल किया जा सके मतलब देखो तरीके तो बहुत सारे हैं ठीक है ठीके? ये सजेशन है और हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है वो इसका इस्तेमाल भी कर रही है कई जगह तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं तो सजेशन के तौर पर लिखने के लिए कुछ आ जाए तो इसके यहाँ पर आप लोग सजेशन लिख सकते हैं बैम्बो फॉर ग्रीन लाइफ एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यहां पर बात की जा रही है और नाइनटीन में इंटरनेशनल बैम्बो कांग्रेस जापान के अंदर में हुई थी जहां पर लगा कि यार हाँ इसके बारे में डे सेलिब्रेट करना चाहिए अब मैं आप लोगों को यहां पर इतना बताकर तो छोड़ूंगा नहीं क्योंकि टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर कई सारे प्रोविजन देखने को मिले और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में आए यहां पर प्रियम्स के अंदर में यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है जैसे कि बेम्बो अगर को बेम्बो को प्रमोट करने की बात करें तो हमारे देश में कई सारे काम किए जाते हैं सबसे पहले जैसे अगर बात करें यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इनोग्रेट किए गए 22 बेम्बो क्लस्टर क्लस्टर मतलब एक तरह ग्रुप बोल सकते हैं जिसमें कई सारे स्टेट थे गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा आसाम इसी के साथ में नागालैंड त्रिपुरा उत्तराखंड कर्नाटका तो यहां पर इनोग्रेट किया गया ताकि प्रॉपर वे में बेम्बो को सपोर्ट किया जा सके एक सिस्टमेटिक वे में इसी के साथ में एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का नाम आप लोगों ने सुना होगा पर लेकिन यहां पर एम एस एम एफ पी यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्रा, प्राइस की बात की गई और इसमें बेम्बो को भी ऐड किया गया तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर नेशनल बेम्बो मिशन हमारे देश के अंदर में ये आप लोग जरूर याद रखेगा यहां से आप लोगों के लिए कई बार क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि हमारे देश में पर्टिकुलर कोई मिशन है तो उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछ ले ये मिशन किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए लॉन्च किया गया कि ऐसा कोई मिशन है भी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए और एग्रीकल्चर के बारे में जब आप लोग बात करें तो आप लोगों से कई बार लिखने के लिए आ जाते हैं कि हैस के बारे में कुछ इस तरीके से आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग उसको आराम से लिख भी सकते हैं आप लोगों ने पेपर देखा कल का मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर कल का सेकंड पेपर आप लोग जरूर देखेगा जो कल सेकंड पेपर हुआ है सेकंड पेपर मतलब जो आप लोगों का जीएस का जो पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन वाला पेपर हुआ है वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग उसको जरूर देखेगा रीज़न है उसके पीछे सजेस्ट करने का उसके पीछे सीधा सीधा रीजन ये है कि आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कि आप लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो ठीक है तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी भी है अगर आप लोग उसके साथ में कनेक्ट कर पाओगे तो अच्छे से आप लोग फिर अपनी पढ़ाई को आगे भी लेकर चल पाओगे तो उसका मैंने एक थोड़ा सा एनालिसिस डाला है तो आप लोग अगर टाइम लगे अगर आप लोगों के पास में थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको देख लोगे तो बहुत फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है तो उसको आप लोग जरूर देखना थमनेल उसका मैंने सर डाला था ये आप लोग कुछ ऐसा थमनेल देखने को मिले ये तो जीएस पेपर वन वाले का है सेकंड वाले का है ये वाला ठीक है तो कुछ ऐसा थंबनेल देखने को मिलेगा पेपर मुझे देखकर मजा आ गया आप लोग देखना आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो कितना कारगर है उसके साथ भी आप लोग कनेक्ट हो पाएंगे तो आप लोग इसको जरूर देखेगा ठीक है तो यहाँ पर बैम्बो मिशन जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया था दो हज़ार में और इसी के चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में ताकि एक हब एंड स्पोक मॉडल इंप्लीमेंट किया जाए जैसे नहीं हब क्या होता है जैसे मान लीजिए ये साइकिल का पहिया है और यहाँ पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर सेंटर हो गया इसमें बहुत सारी तिल्लियां जुड़ी होती है जैसे नहीं मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो हब हो गया और मैं बोलूँ कि आप लोग भी औरों को जाकर पढ़ा दो है नहीं कुछ को मैं पढ़ाता हूँ कुछ को आप पढ़ा दो ठीक है तो इस तरीके से तो यहाँ पर ये यह ये क्या हो जाएगा हब एंड स्पोक मॉडल हो जाएगा तो ज्यादा लार्ज स्केल पर चीजों को फैलाने की कोशिश की जाती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं कि बेम्बो जो था वो पहले ट्री की कैटेगरी में आता था ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के हिसाब से पर लेकिन इसमें संशोधन किया गया और 2017 में बेम्बो को ट्री से हटाकर इसको ग्रास की कैटेगरी में डाल दिया यानी कि घास और घास जहां भी उगती है आप लोग उनको काट सकते हो तो पहले इसको काटना अलाउड नहीं था पर लेकिन अब आप लोग इसको काट सकते हो तो यहां से क्या चीजें निकल कर आई अच्छी चीज यहां से निकल कर आई कि अब आप लोग जो है बेम्बो का इस्तेमाल प्रॉपर वे में आप लोग यहां पर कर पाओगे आप लोगों के ऊपर कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी ये काफी इंपॉर्टेंट है और फार्मर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा टेन थाउजेंड के करीब न्यू जो एफ पी ओज है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्म की जा रही है ताकि आने वाले टाइम में बेम्बो की खेती को और अच्छे से सपोर्ट किया जा सके तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यार ऐसी चीजें आप लोग समझ सकते हैं कल को अगर क्वेश्चन भी आ जाए यहाँ पर बेम्बो के बारे में कुछ आप लोगों को लिखने के लिए तो पता होना चाहिए एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को और बता देता हूँ यहाँ पर हमारे देश में बैम्बो की खेतु सबसे खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है बैम्बो की खेतु <laughs> कभी कभी ना ऐसे शब्द निकल जाते हैं मुँह से ये मतलब ऐसे नहीं होता कि इनको मतलब जिनको बोला जाता है कुछ समझाने के लिए मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूँ वो स्लिप हो जाती है टंग <laughs> एक बच्चा कह रहा है सर कभी कभी फनी हो जाती है चीज़ें यार फनी नहीं बो ना कभी कभी जो थोड़ी सी स्पीड होती है ना बोलने की तो उसमें थोड़ा सा मतलब कुछ कई सारी टर्म्स ऐसी होती हैं कि ऐसी चीज़ हो जाती है ठीक है इग्नोर कर दिया करो उसको जब यहाँ पर 50 परसेंट के करीब जो बैम्बो की जो स्पीसीज हैं यानी कि जो भी बैम्बो की जो प्रजातियाँ हैं वो अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर मिजोरम मेघालय नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल 50 परसेंट आप लोगों को इस एरिया में ओनली देखने को मिल जाती है यानी कि बैम्बो का 50 परसेंट एरिया अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो कि 50 परसेंट कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं बच्चा गुच्चा कहां पर आ जाता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार वाले एरिया में इसके साथ में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और वेस्टर्न घाट में कुछ यहां पर कुछ यहां पर और कुछ मध्य प्रदेश में तो यहां पर आप लोगों को बैम्बू देखने को मिलता है ठीक है तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा और क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को एक कम से कम मोटा माटी आइडिया होना चाहिए ओके एक और इंपॉर्टेंट डे है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल इक्वल पे डे ये काफी इंपॉर्टेंट है खासकर जब वुमेन के बारे में बात करते हैं एक काम कर रही है एक महिला और एक काम कर रहा है एक पुरुष अगर मान लीजिए पुरुष को वो काम करने के यहाँ पर पंद्रह हजार रुपये मिल रहे हैं महिला को वो काम करने के नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसको या तो बारह हजार रुपए मिलेंगे या फिर तेहर चौदह के करीब मिलेंगे पंद्रह नहीं मिलेंगे ऐसी कंडीशन रहती है यानी कि महिलाओं की इफिशेंसी को कम आका जाता है एज कम्पेयर टू जो यहां पर पुरुष होता है ये सबसे खतरनाक चीज है इसके लिए अलग से डे बनाना पड़ गया इसकी गनी इसकी गरीमत देखो आप लोग यहाँ पर इतनी बुरी कंडीशन है कि इसके लिए अलग से डे बनाना पड़ गया कि भाई लड़कियों और लड़कों को इक्वल पे दो तो यहां पर इसलिए इसलिए यहां पर दिक्कत निकल कर आती है वही काम लड़का कर रहा है और वही काम लड़की कर रही है आप लोग उनको इक्वल पेमेंट नहीं दे रहे हो अनइक्वल पेमेंट दे रहे हो तो इसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि लोगों को अवेयर करा जाए इसके बारे में और अगर कोई ऐसा कुछ करता हुआ पा जाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगानी है क्योंकि आप लोगों को पता है राइट टू इक्वेलिटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं हमारा संविधान भी इस चीज के बारे में बात करता है

कि यहां पर अगर बात करें इंप्लॉयमेंट में जब इक्वेलिटी के बारे में बात करते हैं तो कौन से आर्टिकल में है ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में रिसेंटली अभी कई सारी चीज़ें न्यूज़ में थी जब हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बोला गया पिछहत्तर प्रतिशत लोग जो हैं वो लोकल है रहेंगे उनको जॉब दी जाएगी तो तब ये काफी ज़्यादा न्यूज में थे वहाँ पर ठीक है तो बेसिक है इसके बारे में बताइएगा तो यहाँ पर जो सेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन होता है मेल और फीमेल वाला लड़का और लड़की वाला जेंडर जो यहाँ पर पे गैप होता है कि लड़के को इतनी सैलरी है और लड़की को इतनी देनी है उसको कम दूर करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर मुहिम चलाएगी आप लोग यहां से ये यह समझिए कि ये डे इंडिया का डे नहीं है इंटरनेशनल डे है यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है कि लड़की को कम आंक आ जाता है एज कम्पेयर टू लड़के के तो आप लोगों को यहाँ पर काम करना पड़ेगा खासकर लड़कियों का अगर बोला जाए उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वही चीज़ अचीव करने के लिए जिस चीज़ को अचीव जो है लड़के जो हैं वो आसानी से कर लेते हैं कम मेहनत में तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है तो इसलिए आप लोग खासकर अगर बात करें लड़की की तो उनको थोड़ा सा और हिम्मत यहां पर रखनी पड़ेगी एक और छोटी सी बात मैं यहां पर बोलना चाहूंगा जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि आप लोग जिंदगी में जब भी कोई काम करने स्टार्ट करते हैं ना तो अपने ऊपर थोड़ा ट्रस्ट किया करो सोसाइटी क्या बोलती है उसको साइड में रख दो ठीक है तो अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखो आप लोग यहां पर और सबसे ज्यादा जरूरी है जैसे यहां पर अगर पायल के बारे में बात करूं इन्होंने यहां पर अपने बारे में लिखा कि एक बेबी भी है उसके बाद में इनको प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करना पड़ता है सारी चीजें रहती हैं तो ऐसा नहीं है कि शादी के बाद आप लोग नहीं कर पाते हैं जैसे कल मैंने बोला था कि शादी से पहले कर लो उसमें आसानी रहती है ठीक है शादी के बाद में ऐसा नहीं कि कर नहीं पाओगे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आप लोगों को जो शादी के बाद में निकाल रहे हैं परिवार सपोर्ट ही मिल जा रहा है पर लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर पहले कर लो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि उसके चलते आप लोगों को हो सकता है एक लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले फिर अच्छा लाइफ पार्टनर मिले सेटल होने की जो एक प्रॉपर एक प्रोजर है वो भी आप लोगों को अच्छा देखने को मिले तो ये चीज आप लोग याद रखिए ठीक है तो ये कई सारे कमेंट है जो काफी अच्छे लगे योगा को लाइफ का पार्ट बना लो जिंदगी में बहुत फायदा होगा एक यहां पर 11 साल का जो बेसिकली मतलब 11 साल का जो बच्चा है वो यहां पर क्लास सुनता है डेली तो कंपटीशन देखो आप लोगों के लिए कहां से निकल कर आ रहे हैं ठीक है तो मतलब हिंदू का डिस्कशन सुना जा रहा है छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भी तो आप लोग देखिए जब वो बच्चे तैयार होकर आएंगे आगे तो क्या लेवल होगा उनका आप लोग अपना लेवल आज के में देख रहे हैं तो इसलिए प्रॉपर वे में कोताही नहीं बरतनी है यार कल को चलकर कोई भी आगे निकलेगा एक मिनट में अगर आप लोग जरा सी भी लापरवाही बरतोगे ठीक है और सबसे पहले यहाँ पर एक ये इंस्टाग्राम पे मैसेज किया गया यहाँ पर संजू के द्वारा कॉन्ग्रेचुलेसन डियर इनके द्वारा काफी लंबे समय से प्रयत्न किया जा रहा है तो यहाँ पर इनका जो है असिस्टेंट कमांडेंट का जो अभी पेपर निकला है क्लियर हो गया है अब आगे इनका इंटरव्यू देखने को मिलेगा ठीक है कई सारे बच्चों की और भी मेल थे उन्होंने बोला सर जब फाइनल रिजल्ट आ जाए तो तभी हमारा नाम रिवील करना राजस्थान पी के भी इंटरव्यू अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे उसमें भी कई सारे बच्चों का जो है मेन्स निकला हुआ है ठीक है तो उनके द्वारा भी कई मतलब मैक्सिमम जो मेंस निकल जाता है ना वो मैक्सिमम ये रहता है कि सर जब फाइनल रिजल्ट आए तभी हमारा नाम बताना तो कोई नहीं यार ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू दिक्कत नहीं है अपना अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करिए और दुआ करता है पूरा सेल्फी परिवार कि आप लोगों का सिलेक्शन हो अच्छे से और फ्लाइंग कलर के साथ में आप लोग उठते हुए आओ और शानदार तरीके से कंट्री में अपनी जो है जॉब या फिर आप लोग बोलो रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी उसको अच्छे से निभाओ ठीक है अब आगे चलते हैं ये आर्टिकल के बारे में ये आर्टिकल जो है ये बात बेसिकली बात कर रहा है चिताह के बारे में ठीक है चिता की वॉइस तो मैंने आप लोगों को सुना दी कि चिता बोलता कैसे है चिता दहाड़ता नहीं है दहाड़ता शेर है बिल्ली जैसी वॉइस होती है तो उसकी बिल्ली जैसी वॉइस के ऊपर बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई कल जो मजाक बनाया गया अखिलेश यादव जो कि यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इनके द्वारा बोला गया कि सबको इंतजार था कि यह दहाड़ेगा फिर ये तो निकला बिल्ली मोसी के परिवार का यानी कि उसने जैसे म्याओ म्याओ करना स्टार्ट कर दिया तो वो वाली के ऊपर मजाक उड़ाएगी जबकि नेचर है इसका इसमें मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं थी तो यहाँ पर इनका मजाक बन गया सीधा कहने का मतलब यहां पर यह ठीक है ठीके? तो यहाँ पर क्या है शानदार तरीके से इस पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में टोटल आठ चिता जो हैं वो हमारे देश में एंट्री करें कहा से ये चिता लाए गए यहाँ से नामबीबिया से तो ये याद रखिएगा नामबीबिया से लेकर आया गया वैसे तो हवाई जहाज में लाए गए सीधे ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर में वैसे अगर लाते रास्ते से तो यहां से होता हवाई आता ठीक है तो ये आप लोगों को देखने को मिलता तो कहां से आया और कहां तक पहुंचा है? ये पूरा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है। एक छोटी सी वीडियो है ये तीन चार मिनट की वीडियो है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की वीडियो है जब उन्होंने इसको लॉन्च किया उसमें कुछ बातें बोली है उन्होंने ठीक है जो मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगे तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर किया जाइए आप लोग उनको सुनिएगा अगर जिसको नहीं लग रहा है नहीं सुननी है तो चार पांच मिनट की वीडियो स्किप कर कर आप लोग आगे जा सकते हैं ठीक है अगर आप आप लोगों को नहीं पसंद आया सुनना तो आप लोग उसको पर सुनिएगा जरूर एक बार ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कितने अच्छे से वो एक तरीके से हम्बल तरीके से उनके साथ में बात कर रहे हैं और कल इनका बर्थडे भी था तो हैप्पी बर्थडे भी हमने सबने बोला था तो लीडर है यार देश के आप लोगों को पोलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर कम से कम एक इंसान को चुनकर अगर आप लोगों ने बैठा है तो रेस्पेक्ट करो एटलीस्ट अगर नहीं चुनकर बैठा होता तो समझ में आता है आप लोगों ने खुद नहीं चुनकर बैठा है ठीक है तो पोलिटिकल पार्टी मत देखा करो इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनके नाम के सामने लगा है पी और वो भी किसका इंडिया का ठीक है तो इसलिए ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम पोस्ट की आप लोगों को यहां पर रेस्पेक्ट करनी चाहिए ठीक है कई सारे बच्चे जो एक लिख देता है कि सर ये तो वो है मतलब पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे थे कल तो उसके ऊपर बोल रहा हूँ यार अपने आप को ही आप लोग गलत ठहरा रहे हो क्योंकि आप लोगों ने ही चुनकर बैठा है ठीक है तो जब तक पोस्ट पर है पोस्ट की रेस्पेक्ट होती है देखा जाए आई बन जाओगे तो आपकी रेस्पेक्ट नहीं है वो पोस्ट की रेस्पेक्ट है उसकी तो पोस्ट की रेस्पेक्ट बनाए रखना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ठीक है ये वीडियो सुनना नहीं पसंद आए तो स्किप कर सकते हैं आगे ओके को क्या बताया गया है क्या काम कर रहा है कि किस काम के लिए हमें चीतों की सुरक्षा कर तो करें कैसे करेंगे जो कोई अगर जंगल से निकल के, के गाँव की तरफ जाता है चीता तो हमें उसको बचाना होगा जो पशु है इससे इंसान को खतरा है कि इंसान से पशु को खतरा आपको मेहनत कहाँ करनी है पशु को समझाने में करनी है कि इंसान को समझाने गाँव में जाके बोलना है गीता के बारे में बताना है ये सही बात दौड़ने वाला वन्य प्राणी है जो अपने भारत देश में 17 सितंबर को जब मान्य महोदय के जन्मदिन के दिन आ रहा है ये सब बता के आए देखिए हमें पचहत्तर साल करीब करीब इंतजार करना पड़ा है पहले यहाँ चीता होते थे अजब तेंदुआ और चीता तो फर्क कैसे करेंगे सर चीता लाके ऊपर जो छोटे छोटे सिंगल मार्क रहते हो तेंदुआ ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं हाँ। और तेंदुआ के ऊपर जो ना ग्रुप में समूह में बनते हैं ऐसा गोल होता है देखिए मैं अपना अनुभव बताता रहा हूँ ये अनुभव आप लोगों को काम आए मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बन गया उस समय गुजरात में करीब आपको मालूम है वहाँ लाइन है गिर है एशियाटिक हाँ, लाइन के मालूम हाँ। है ना? तो करीब 300 के आसपास संख्या संख्या और लगातार घट रही थी मैंने कहा इतनी बड़ी विरासत है अगर ऐसे ही हुआ तो पचास सौ साल में तो, तो कोई बचेगा ही नहीं तो क्या उपाय करें तो मैंने सोचा कि सरकार सोचे कि वो लायन को बचा लेगी तो गलती है अगर लायन को कोई बचाएगा तो ये गांव वाले ही बचाएंगे हमने क्या किया करीब 300 सौ वन्य प्राणी मित्र बनाए हमने पहली बार शायद 2007 वहाँ की जो बेटियां थी उनको मैंने कहा बेटे आप क्या मैदान में आ सकती होगी लाइन के साथ रह सकते हो गे? आप लाइन को बचा सकते तो हो तो तैयार होगी तो बहुत बड़ी मात्रा में हमने तो जो स्थानीय बेटियां थी उनको फॉरेस्ट गार्ड के लिए रखा आप चीता मित्र हैं लेकिन सभी वन्य पशु के मित्र हैं हर की देखभाल के करेंगे पक्का अच्छा आप में से मोबाइल फोन किसके किसके देख देखिए आप एक अपना एक हॉबी डेवलप कर सकते करेंगे क्योंकि तो जब आपको जंगल में रहना है आपको काम भी करना है अच्छी फोटोग्राफी सीखना और कभी कभी आपको पशु की ऐसी हरकत की फोटो आपके हाथ आ लग जाएगी जो आपके जीवन की बहुत बड़ी अनमोल विरासत है अच्छा बढ़िया से बढ़िया फोटो जो निकालेंगे वो तो मुझे भेजेंगे चीते के ही निकालना जरूरी नहीं है बनने प्रश्न है। है। है? करेंगे अच्छा सबसे पहली मुसीबत क्या आने वाली आप जैसे ये काम शुरू करोगे सबसे मुसीबत वाली क्या सबसे बड़ी समस्या नेता लोग करेंगे मेरे जैसे वो आप अभी बताया गया होगा कि थोड़े दिन तक चीजा देखने के लिए आना नहीं है उसको सेटल होने देना है फिर वो बड़े जगह पे जाएगा वहाँ कुछ दिन सेटल होने देना है लेकिन हम नेता लोग आ जाएंगे नेता के रिश्तेदार आ जाएंगे फिर टी वी कैमरा वाले आ जाएंगे क्योंकि वो उनको करना है सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आता है ना तो वो भी आ जाएंगे आप पर दबाव डालेंगे नहीं नहीं ये सब अफसरों को दबाव डालेंगे आपका काम है किसी को घुसने दो मैं भी आऊं तो मुझे भी घुसने हाँ मेरे नाम से कोई मेरा रिश्तेदार आ जाए तो भी नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं जब तक उनका समय पूरा होगा उसके बाद घुसने दें दुनिया में जिन लोगों को जो हमको पर्यावरण के भाषण देते हैं ना उनको ये समझ नहीं होगा कि हमारा प्यार क्या है प्रकृति के प्रति पशु के प्रति हम किस प्रकार के जीवन जीने वाले शायद दुनिया में ऐसी घटना नहीं घटी है कि 130 करोड़ देशवासी आज मना चीता आने पर इस बात को नहीं नहीं। अभी देखा तो नहीं उन्होंने नाच रहे लोग मना रहे एक को लग रहा है कि जैसे हमारे परिवार में कोई नया बहुत सालों के बाद संतान पैदा हुआ ऐसा लग रहा है लोग लग रहा है ये भारत की प्रकृति प्रेम भारत का जो हृदय क्षेत्र है अपना मध्य प्रदेश है सिरमोहर है मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला विशेष है सुख शांति और समृद्धि का कृषि सर्सों का क्षेत्र है चंबल की नहरों से पूछ श्योपुर जिला विशेष है वाह 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 चलिए धन्यवाद भैया चलिए ये चीता उसको संभालिए लोगों को भी संभालिए यहाँ से आगे अब मैं आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस करूंगा इसके बारे में कई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और कुछ रिविजन भी आप लोगों का हो जाएगा ठीक है इससे आप लोग कुछ रिवाइज भी कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों ने देखा अभी के के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था कौन बनेगा करोड़पति के अंदर तो वो भी टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर कवर होगा ठीक है तो इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है इसी के साथ साथ में आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन ही पता चलती है आप लोग इसे के जैसी चीज़ें देख रहे हैं या फिर कोई और भी आप लोगों से डिबेट डिस्कशन चल रहा है वहाँ पर भी आप लोग को अवेयर रहना चाहिए कि सोसाइटी में एग्जैक्टली चल गया रहे अरे हाँ स्टार्टिंग में जो वीडियो दिखाई थी वो उसके बारे में बताना भूल गया वो जो वीडियो थी उसका बेसिक पर्पज यहां पर ये था ताकि आप लोग आज के डेट में देखते हैं कई सारे बच्चे जो होते हैं हम लोग लापरवाही करते हैं बच्चों पे ध्यान देने में और उसकी वजह से कई सारे बच्चों की जान भी चली जाती है अभी कुछ दिनों पहले शायद नोएडा में या फिर कहां पर एक बच्चा जो था वो सोलवीं या सत्रहवीं मंजिल से गिर गया ठीक है और उसकी वजह से यहां पर उसकी डेथ हो गई ये यहाँ पर क्या देखा आप लोगों ने ये बच्चा जो था इस पर्टिकुलर रेलिंग के अंदर में फंस गया तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका ध्यान रखिए वरना कई बार ऐसी दिक्कत देखने को मिल जाती है एक बच्चे के द्वारा वीडियो शेयर की गई वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की एक बच्चा जो था उसको जो गली के कुत्ते होते हैं वो खा गए उसको बुरी तरह उसको नहीं एक तरीके से झकझोड़ दिया उसको बुरी तरह वो बच्चा उसकी मतलब एक तरीके से जान जाते जाते बच्चे यहाँ पर तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको थोड़ा ना पता है इन चीज़ों के बारे में तो आप लोग की रेस्पॉसिबिलिटी है कि इन बच्चों का आप लोग ध्यान रखें आसपास में कोई दिख जाए तो कम से कम आप लोग थोड़ा सा उसका ध्यान रखें ठीक है तो पहले क्वेश्चन होंगे उसके बाद में फिर पूरा टॉपिक कवर करूंगा डिटेल में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि यहाँ पर अपनी कंट्री से नहीं ईरान के बारे में भी थोड़ी सी बात करूँगा चीता के बारे में पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रहेगी तो बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होगी एक एक पॉइंट ठीक है तो कोई डाउट आप लोग इसको लेकर नहीं रहेगा पहले क्वेश्चन देखेंगे बात की जा रही स्टेटमेंट कंसिडर रेफरेंस टू चीता के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पर करेक्ट है, आप को है? बोला गया कि वनरेबल और एशियाटिक क्रिटिकल इंडेंजर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा पहली स्टेटमेंट चीता जो है वो अलग अलग कैटेगरी में है कुछ आप लोगों लो यहां पर बेसिकली क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में नजर आएंगे अफ्रीकन चीता जो है वो मच स्ट्रांगर है

तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किसके साथ मिलकर इसको स्टार्ट किया गया यूएनईपी के साथ में यूएनई यूनिस्को के साथ में एफ के साथ में या फिर डब्ल्यू के साथ में तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में भी आप लोगों से आर्टिकल के अंदर में डिस्कस करूंगा यानी कि ये क्वेश्चन है जो कि हम लोग इस आर्टिकल से देखेंगे तो काफी बेहतरीन तरीके से आर्टिकल डिस्कस करूंगा कोई भी पॉइंट आप लोगों के माइंड में बेसिकली डाउट का नहीं होना चाहिए हर एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल होगा तो चीजों को अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे ठीक है तो अच्छे से सोच समझ कर आर्टिकल को, अच्छे से करना है डाउन टू अर्थ मैगजीन का ये आर्टिकल है जो कि यहां पर कवर किया गया है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यहां पर आप लोग देखेगा पहली बार जो फर्स्ट टाइम एक तरीके से जो पालतू बनाना पहली बार यहां पर एशियाटिक चीता जो है वो पालतू बनाकर उसके बच्चे पैदा कराए गए तो इनको एंजॉय करते को को मतलब हुए अभी नए ये बच्चे पैदा हुए यहाँ पर चीता के अब सोचो यहाँ पर जंगल में रहते तो उसी माहौल में पलते अब घरों में रखा जाएगा इनको उसी तरीके से यहाँ पर चीजें जो है आप लोग को देखने को मिलेगी इनकी जिंदगी कैसे यहाँ पर बनने वाली है आगे आने वाले टाइम में तो कुछ माहौल आप लोग को ऐसा देखने को मिलेगा तो यहाँ पर अभी चीज़ें जो हैं वो एक बड़े ही डिफरेंट तरीके से ये कुत्ते पाला करते थे आने वाले टाइम में आप लोग यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर चीता पालते हुए नजर आएंगे ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्योंकि जब यहाँ पर अगर आप लोग बोलो कि अगर किसी पर्टिकुलर अगर आप लोग बेसिकली बोलो कि यहाँ पर एक बच्चे को अगर जंगल में छोड़ दोगे तो बोलना नहीं सीखेगा वो जानवरों की तरीके से रहना सीख जाएगा मोगली आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ कुछ माहौल आप लोग वहां से कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आज की डेट में जैसे माहौल में इंसान रहता है वैसे ही बन जाता है इसीलिए कहते हैं कि अपना माहौल अच्छा रखो अपने दोस्त जो है वो अच्छे रखो अगर दोस्त आप लोग अच्छे रहेंगे तो पता चल जाएगा आप लोगों की लाइफ की क्वालिटी कैसी है जितने घटिया लेवल के दोस्त रहेंगे उतनी ही घटिया लेवल की लाइफ रहेगी और जितने बेहतरीन लेवल के दोस्त रहेंगे उतनी बेहतरीन लेवल की लाइफ रहेगी हालांकि वो स्टेटमेंट भी सही है कि हर एक दोस्त कमीना होता है पर लेकिन कमीना वो फनी वे में बोला जाता है वैसे प्रोडक्टिव इंसान आप लोगों की जिंदगी में रहेगा तो आप लोगों को हमेशा दिक्कत से बचाएगा एक दूसरे के साथ में प्रोडक्टिविटी वाली बातें करोगे तो जिंदगी में प्रोडक्टिव तरीके से आगे बढ़ पाओगे ठीक है तो बात क्या की जा रही है यहां पर बात की जा रही है कि हाईली इंडेंजर्ड फीमेल एसियाटिक जो चीता है उसके द्वारा यहां पर अभी तीन बच्चों को जन्म दिया गया है ठीक है तो पहली बार ऐसा यहां पर देखने को मिला और यहां पर जो फीमेल का जो नाम है वह ईरान ईरान है यहां पर इसका नाम ठीक है जिसके द्वारा डिलीवर किया गया यहां पर और ये जो यहां पर डिलीवर किए गए ये कहां पर देखने को मिला ये है तोरन वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी ठीक है तो यहां पर ये कहां पर है ये तेहरान यानी कि ईरान के अंदर ही देखने को मिलेगा ईरान जो है यहां पर ये है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी ये फीमेल का नाम भी ईरान है ठीक है और इसी के साथ में यहां पर तेहरान के अंदर इनके ईरान के अंदर फर्स्ट टाइम यहां पर एशियाटिक चीता इन कैप्टिविटी में यहां पर इसके द्वारा बच्चों को जन्म दिया गया है तो थोड़ा सा सोचने वाली बातें यहां पर हो जाती है ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर आप लोगों को बताता हूं जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं ऑलरेडी तो एशियाटिक चीता जो है यहां पर एक तरीके से पूछे इनका साइंटिफिक नेम है तो यहां पर एसी, एसी नोनिक्स जो जुबेटस, जुबेटस आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसी नोनिक्स जुबेटस ठीक है तो ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये एक तरीके से फास्टेस्ट एनिमल है जो कि पृथ्वी पर पाया जाता है जैसे इंसानों में फास्टेस्ट कौन था यहां पर अब तक ये बेसिकली नाम क्या था उसे बोल्ट ठीक है आप लोगों ने कई बार सुना होगा

बेसिकलीस जुबेटस तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा स्पेसिस डिफरेंट है जो अफ्रीका के अंदर पाया जाता है उससे हमारी कंट्री में अगर कोई आप लोगों से पूछे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी थोड़ा ध्यान से सुनेगा महाराजा जो, रा, महाराजा रामनुज, परताप जो जो प्रताप सिंह थे वो एक तरीके से एक छोटी सी स्मॉल जो प्रिंसिल स्टेट था यहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे लास्ट में माना जाता है कि तीन चीता जो थे उनके द्वारा मारे गए थे उसके बाद से चीता जो है वो खत्म हो गए थे ठीक है इनके द्वारा अपनी फोटो भी खिंचाई गई थी इन तीन चिता को मारकर तो यहां से माना जाता है कि उस टाइम से यहां पर चीता फिर जो है वो इंडिया के अंदर नहीं देखे गए तो ऐसा बोल सकते हैं कि चीता की संख्या जो है इन राजा साहब के द्वारा जो थी वो खत्म कर दी गई थी फिर आगे चलकर तो 1947 की बात है आगे चलकर यहाँ पर हमारे देश के अंदर भी जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया नाइनटीन के अंदर में अगर आप लोग बात करते हैं यहां पर हम लोगों ने चीता को ऑफिशियली एक्सटेंड डिक्लेयर कर दिया यानी कि हमारे देश में चीता है ही नहीं है तो ये हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे देश में चीता है ही नहीं है कभी देखने को मिला ही नहीं। तो इसके चलते हाँ तो खत्म कर दिया ठीक है तो ये आप देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा एरिया है यहाँ पर जो कि आप लोगों के सामने ये बेसिकली एक पेंटेड है जिसे आप लोग बोल सकते हैं चीता जो है वो पाए जाते थे ठीक है तो पर्टिकुलर एरिया आप लोग यहां पर देख सकते हैं अभी कई सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा

पर लेकिन यहां पर अगर बात करें एम के जो एम के रंजीत सिंह की चेयरपर्सन में यहां पर एक यहां पर कमेटी भी अपॉइंट की गई कि री इंट्रोड्यूस किया जाए चीता को पर लेकिन चीजें प्रॉपर वे में चल नहीं पाई ठीक है प्लान जो था वो यहां पर एशियाटिक चीता का जो ढंग से चल नहीं पाया क्योंकि इमरजेंसी लग गई देश के अंदर में उन्नीस सौ चौहत्तर की उन्नीस की बात की जा रही है तो 1974 से लेकर आप लोगों को बताया नाइनटीन सेवेंटी 1975 से लेकर 77 तक हमारे देश में इमरजेंसी रही और इसी के साथ में जो साहब थे उनका भी रूल जो है वो गिर गए यहाँ पर तो फिर यहाँ पर ये डील जो है वो नहीं हो पाई यानी कि चीता लाने की डील जो है वो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए इसके बाद में यहाँ पर फिर से लगा चलो यार कुछ स्टार्ट करते हैं पुरानी यादें फिर से ताजा करते हैं तो ईरान से फिर से चीता लाने की बात की गई दो में ठीक है पर लेकिन फिर से फेल हो गए यहाँ पर फिर से हम लोग इसको नहीं ला पाए ठीक है उन्होंने इवन क्लोनिंग करने करने से भी हाँ पर करने से भी पर परमिट मना कर दिया ईरान ईरान तो इरान के साथ में हमारी अच्छी बनी नहीं भाई साहब तुम चीता नहीं दोगे तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा तो क्या चीता जो है वो इंडिया में नहीं आएगा <laughs> तो वो वाली बात इंडिया ने थाम ली और इंडिया ने बोला कि ठीक है अगर तुम चीता नहीं दोगे तो हम लोग चीता कहीं और से लेकर आएंगे तो इंडिया जो है वो चीता के बारे में बात करें तो साउथ अफ्रीका और नामीबिया तो यहां से हमसे हम लोग चीता जो है वो लेकर आ रहे हैं

अभी यहाँ पर जो अफ्रीका से चीता आ रहे हैं वो कहां पर आ रहे हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे हैं यहाँ पर कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में तो दस चीता यहाँ पर हमारे देश के अंदर आप लोग को अभी देखने को मिलेंगे तो कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पर चीजें जो है वो चल रही है हालांकि जो प्लान है अभी थोड़ा सा ये भी डिले चल रहा है क्योंकि लग रहा है कि हमारी कंट्री में कुछ दिक्कत है चीता को लेकर पहले यहां पर और दिक्कतें हो गई अब कोविड नाइन्टीन ऐसा आ गया ओमिक्रॉन वगैरह ये सारी चीजें जिसकी वजह से फिर से चीजें जो हैं वो थोड़ी सी पोस्टपोन कर दी गई है ठीक है यानी कि अभी कुछ कुछ इश्यूज ऐसे यहां पर देखने को मिल रहे हैं कहीं फ्लड आ गई कहीं कुछ हो गया तो ये दिक्कतें हैं तो इसके बारे में आप लोग एक अंदाजा रख सकते हैं वैसे रेंज क्या है एशियाटिक चीता की ब्रिटिश पीरियड टाइम में अगर आप लोग देखोगे अच्छे खासे हुआ करते थे ठीक है ऐसा नहीं है नहीं हुआ करते थे यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो अच्छे खासे हिस्टोरिकल जो रेंज है वो चीता की आप लोगों को पाकिस्तान इंडिया जो कि इंडिया का ही पार्ट था उस टाइम पर तो यहां पर पाए जा करते थे आज के डेट में वर्ल्ड में अगर बात करें प्रेजेंट चीता का है और हिस्टोरिकल चीता कहाँ तो ये तो हिस्टोरिकल है जहां पर चीता हुआ करते थे प्रेजेंट टाइम पर यही कुछ एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर ईरान है और बाकी यहां पर ये यह अफ्रीका के अंदर कुछ एरिया है जहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे यानी कि हम लोगों ने इनकी कहानी जो है खत्म कर दी है अगर आप लोगों से पूछू चीता लेपड़ या जैगवार में से सबसे खूबसूरत आप लोग कौन सा लगता है ठीक है यानी कि एक साइड में हो गया चीता चीता कई बार बिल्ली जैसा लगता है देखने के लिए दिखना है ये हो गया लेपर्ड मुझे सबसे शानदार मुझे लगता है जेगवार ठीक है आप लोगों को कौन सा लगता है आप लोग बताइए तो यहां पर बेसिकली देखने के पॉइंट ऑफ से कह रहा हूं वैसे नहीं बोल रहा हूँ इसको कभी आप लोग जज करने लगो ठीक है तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी इनके बारे में अगर बात करें कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं जैसे अफ्रीकन चीता हो गया और यहां से एशियाटिक चीता हो गया तो हम लोगों ने एशियाटिक चीता तो ईरान ने देने से मना कर दिया अभी अफ्रीकन चीता हम लोग लेकर आ रहे हैं यहाँ पर तो वनरेबल नेचर के अंदर में सीआईटीएस के अंदर में 1 में अपेंडिक्स सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है यहां पर देखने को मिलेंगे अफ्रीका के अंदर में साढ़े छह हजार से सात हजार के करीब चीते हैं जबकि ईरान के अंदर में चालीस से पचास है इनकी भी कहानी खत्म हो जाएगी अगर चीजें ढंग से नहीं चली फिजिकल कैरेक्टर में बिगर साइज में आप लोग को, को देखने को मिलेंगे कंपेयर टू यानी कि एशियाटिकटिक जो चीता है उससे बड़े हैं यहाँ पर अफ्रीकन चीता ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है जो हम लोग अपने देश के अंदर यहां पर लेकर आ रहे हैं तो ये काफी एक इंपोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों का बन जाता है तो तो यहां तो हो गया करंट आप लोग हाल तो ही करंट तो ऊपर ही खत्म हो गया था ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जहां से क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है ठीक है अभी यहां से कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि इंपोर्टेंट है यहां पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हमारे देश में बनाई गई जो कि काफी इंपोर्टेंट बॉडी है और यहां से आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो जोब्लिश की गई दो में तो बोला गया एक रिकमेंडेशन दी गई यहां पर टास्क फोर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहां पर ताकि प्रोजेक्ट टाइगर को ढंग से हम लोग मैनेज कर सके और इंप्लीमेंट कर सके तो टाइगर प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम है जिसको पॉपुलरली प्रोजेक्ट टाइगर आप लोग बोलते हैं वो स्टार्ट किया गया था 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड फंड के साथ मिलकर काम किया गया तो जो क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से पूछा था वर्ल्ड वाइड फंड ये आप लोग याद रखेगा ठीक है तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है से पूरा नाम आप लोगों को यहां पर इसका देखने को मिलेगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ठीक है वैसे इसे वर्ल्ड वाइड फंड भी बोल देते हैं कई बार ठीक है तो दोनों ही कंफ्यूजन मत होना क्योंकि दोनों ही नाम यहां पर लिखे जाते हैं कहीं आप लोगों को वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड देखने को मिलेगा और कहीं आप लोगों को वर्ल्ड वाइड फंड भी आप लोग इसको बोल देते हैं ठीक है जैसे यूनेस्को की फुल फॉर्म और नाम है उसी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं दो में यहां पर सर्वे किया गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा और हमारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम नाइन में लाया गया था दो में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी थी यहां पर और ये हाँ पर बेसिकली को दिया गया, प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट करने के लिए लोगों से बन सकता है, है? एक एक डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है चीता के मामले में तो आयुष स्टेटस जो यहाँ पर चीता के बारे में बात करते हैं तो वनरेबल है यहाँ पर एसआरटी के बारे में अगर बात करोगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इनका क्रिटिकली इंडेजर्ड है तो कौन सी स्टेटमेंट सही है अफ्रीकन चीता जो है, वो मच है देन, चीता। तो सही आंसर क्या है, है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है पर सेकेंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है अफ्रीकन चीता जो है वो मच बिगर है बात की जा रही है मच बिगर एंड द फास्टेस्ट हैशियाटिक चीता ठीक है तो ये बातें बोली जा रही है क्योंकि अभी मैंने दिखाया आप लोगों यहाँ पर जो अफ्रीकन है वो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली अफ्रीकन चीता मच स्ट्रॉगर मैंने बोला बिल्ली जैसा दिखता है वो ठीक है तो कुछ कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिल रहा था बाकी यहाँ पर बात की जा रही है कि एशियाटिक चीता जो है वो डिक्लेयर किया गया ऑफिसरी एक्सटेंट हमारे देश में से खत्म हो गया तो उन्नीस सौ बयालीस या उन्नीस है सही आंसर यहाँ पर क्या है तो सही आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा इसका जो कि मैंने अभी यहाँ पर बताया ठीक है तो ये यहां था उन्नीस ठीक है और यहाँ पर बेसिकली महाराजा जो रामानुज प्रताप सिंह का नाम भी आप लोग याद रखते हैं छत्तीसगढ़ के ये निवासी थे टाइगर प्रोटेक्शन पॉपुलेशन अगर टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम के बारे में बात करें के तो इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये आप लोग बता सकते हैं तो आंसर डी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा वर्ल्ड वाइड फंड ठीक है जो कि मैंने अभी आप लोगों से यहां पर डिस्कस किया तो कल को चलकर ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे जाए तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं न्यूज़ काफ़ी इंपोर्टेंट है क्योंकि पीआईबी ने कवर किया है साक्ष सात पी अपने आप खुद से दर्शन देने आप लोगों के सामने आ गए तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बात करेंगे राम कृष्ण मिशन के बारे में और जो अवेकनिंग जो प्रोग्राम है बच्चों के लिए एजुकेशन में यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं जो छोटे बच्चे हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की जा रही है और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पर ये यह? स्वामी विवेकानंद जी के साथ में कनेक्ट करके यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है स्वामी विवेकानंद जी की एक कोटेशन जो आप लोगों को सबसे अच्छी लगती है आप लोग बताइए देखता हूँ कौन कौन सी कोटेशन आप लोगों को इनकी याद है क्योंकि कई सारी कोटेशन आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को बताई थी जब आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था नेशनल यूथ डे ठीक है तो युवा दिवस यहाँ पर बारह जनवरी को सेलिब्रेट किया था वो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर ही है तो इस अब कर थीम की बात करें यहाँ पर ये था इट इज ओल इन द माइंड ठीक है तो ये देख सकते हैं और सबसे ज्यादा फेमस जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली थी वो इनकी स्पीच थी जो इनके द्वारा एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर दी गई थी क्या था वो शिकागो या था आप लोगों को जो इनके द्वारा स्पीच दी गई थी और बोला गया था माय ब्रदर एंड सिस्टर्स तो वहाँ पर पूरे सभा में लोगों ने उठकर कर तालियां बजाई थी क्योंकि पहली बार विदेशी धरती पर किसी ने ऐसे शब्द बोले थे वरना वो लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं नॉर्मली फिर क्या हो रहा था वहाँ पर तो मैंने आप लोगों को उस टाइम पर बताया भी था ये वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन थी जहाँ पर इनके द्वारा हिंदुज़्म के बारे में वहाँ पर बातें की गई थी तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं और आप लोग जिस भी धर्म को फॉलो करते हो ना यार उसकी रेस्पेक्ट करना और उसी के साथ साथ में दूसरे के धर्म की भी रेस्पेक्ट करना तो ये जरूरी है अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि एक तरीके से उन्हें कहते हैं एक सही थोट के साथ में आप लोग आगे बढ़े किसी के धर्म का एक अनादर करके आप लोग कभी भी अपने धर्म को अच्छे से इंजॉय नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर जो ये स्कीम है इसमें बात की जा रही है एक से लेके छ साल के बच्चों के लिए अवेकनिंग प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनको जागरूक किया जा सके उनके अंदर जागृति लाने की बात आप लोग यहाँ पर बोल रहे हैं आप लोगों को पता है यहाँ पर ये यह जो ऐसे प्रोग्राम है इसका बेसिक पर्पज क्या होता है और जो कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने बात की यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ये यह पिक्चर भी देख सकते हैं ठीक है ठेके? जो ये प्रोग्राम है इसका बेसिक पर्पज़ क्या है, है यहाँ पर एक तरीके से एक बच्चे का ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात की जा रही है ठीक है और यहाँ पर यही फिलोसफी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 की है उसके अंदर ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग को बच्चे का करना है और वो इस इनिशियल फेज में स्टार्ट होगा इसलिए एक से लेकर के, के बच्चों में ये फोकस यहां पर किया जा रहा है रामकृष्ण मिशन जो कि आप लोगों ने देखा होगा जो दिल्ली ब्रांच है तो यहां पर फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड उसके द्वारा सक्सेसफुली कई सारे अवेकनिंग जो सिटीजन प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जाते हैं ठीक है तो इसमें अगर बात करें सेल्फ स्टीम के ऊपर काफी फोकस किया जाता है यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अंतर आत्मा की सुनो उसके हिसाब से काम करो और आप लोगों को पता होगा रामकृष्ण मिशन के नाम से एक लाइब्रेरी भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर इसी के नाम से शायद मेट्रो स्टेशन का नाम भी है अगर उन्होंने चेंज नहीं किया ठीक है तो आप लोगों ने देखा होगा तो ये यहाँ पर आप लोगों को दहली के अंदर देखने को मिलता है काफी शांत लाइब्रेरी है उसमें हालांकि एडमिशन लेने में काफी जद्दोजहद होता है काफ़ी लंबे समय तक लाइन लगानी पड़ी थी जब उसमें एडमिशन हुआ था तो आप लोग समझ सकते हैं तो वहाँ पर शांति काफ़ी रहती है और सस्ता काफ़ी है वहाँ पर ठीक है आई थिंक साल भर की फीस मतलब 500 के करीब आई थिंक मुझे लग रहा है सर देखने के लिए पूरे साल की फीस तो इतनी सस्ती है यहाँ पर तो बच्चों को एक तरीके से सही डायरेक्शन देने के लिए वो वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी बनाई गई है और ऐसी जगह जगह आप लोग को अलग अलग जगह लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है फोकस जैसे मैंने बताया ना यहाँ पर किस पे रहता है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं आत्मश्रद्धा सेल्फ स्टीम के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा ताकि एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो सके एजुकेशन के अंदर में वैल्यू एडिशन हो सके आप लोग देखते हैं जो बच्चे ऐसे रहते हैं जो एक तरीके से आगे चलकर युवक बनते हैं किसी गलत संगत में पढ़ते हैं आगे चलकर चोरी चकारी रेप जैसी हरकतों को अंजाम देते हैं तो उनका माइंड जो रहता है वो इतनी गंदगी से भर चुका होता है कि उसको एक सुधार ग्रह की जरूरत तो आप लोग बोल सकते हैं वो जेल भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो इस तरीके से समझ सकते हैं जो जरूरी है यहाँ पर बच्चों पर स्टार्टिंग में ही फोकस देकर चलना ठीक है बाकी अगर बात करें रामकृष्ण मिशन के बारे में आप लोग कुछ बातें जरूर याद रखिएगा यहां पर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं पर उनका जो बेसिकली विजन था वो थे वेता, था यहाँ पर वेदांता यानी कि इंडियन फिलोसफी एक मॉडर्न वर्जन इनको फॉलो करते थे फाउंडर थे यहाँ पर विवेकानंद जी ये अट्ठारह की यहाँ पर बात की जा रही है तो काफी पुरानी बात है इसलिए मैंने बोला था कि आज के डेट में अगर ये स्त्री के दो चार लोग होते अपने देश को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते इनके द्वारा बोला गया था कि मुझे मेरे जैसे जो हैं अगर मगर अब मुझे मेरे जैसे सौ लोग मिल जाएं तो मैं इंडिया को जो है डेवलप कंट्री बना दूंगा समझ रहे हैं आप लोग यहां पर तो इस तरीके से समझ सकते हैं तो अगर एक हम इस तरीके सोचने समझने वाले इंसान जो है अगर साथ में मिल जाएं तो कहाँ ले जा सकते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है तो सोसाइटी में काफी बड़ा रोल प्ले के द्वारा किया है और ये पूरा फोकस जो रहता था मोक्ष प्राप्ति पर पूरा एक तरीके से मोक्ष बोले या फिर आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से ना जो समाज ऐसा नहीं है बिल्कुल ये नहीं बोलते थे कि आप लोग समाज से दूर रहना है नहीं समाज में जो भी दिक्कतें दिख रही हैं उनका सोल्यूशन आप लोगों को निकालना है ठीक है तो इसके ऊपर रहते थे यहां पर इनका जो फोकस रहता था ये एक तरीके से अपने आप को समझना अपनी एनर्जी को समझना अपने अंदर की एनर्जी को इकट्ठा करके एक जगह पर लगाना तो ये इनकी फिलोसफी हुआ करती थी इसलिए आप लोगों ने इनकी सारी मोटिवेशनल कोटेशन जो है कि सक्सेस में लगे रहो जब तक मिल मिलना जाए तब तक रुकना नहीं है ये सारी चीज जो आप लोगों को देखने को मिलती है वहीं से निकल कर आती है नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था स्टार्टिंग में जब ये पैदा हुए बारह जनवरी को इसीलिए बारह जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यूथ डे के रूप में ठीक है इनके द्वारा अगर बात सुनो तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि इनका यह मानना था जिस तरीके की जिंदगी जी के गए कि जिंदगी छोटी भले ही हो पर लेकिन प्रोडक्टिव होनी चाहिए ठीक है और ऐसा नहीं कि सौ साल जी रहे हैं पर लेकिन मर मर कर सड़ सड़ कर जी रहे हैं अपना पंद्रह बीस साल जी कर गए इंसान पर लेकिन शानदार तरीके से जी कर जाए ठीक है तो नेशनल यूथ डे के बारे में मैंने आप लोगों को बताया दिया बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो रिक्वेस्ट की गई थी जो महाराजा अजीत सिंह इन महाराजा अजीत सिंह के द्वारा जो कि एक स्टेट खेतरी के थे यहाँ पर जिनके जिनके नाम पर यहाँ पर फिर विवेकानंद इनका नाम लगा आगे चलकर यानी कि एक तरीके से वहाँ से इनका नाम निकल कर आया वरना पहले इनको यहाँ पर नरेंद्र दत्त के नाम से जाना करते थे उन राजा ने रिक्वेस्ट करी यहाँ पर कि विवेकानंद है यहां पर ठीक है तो इंडियन फिलोसफी के अंदर काफी बड़ा योगदान देखने को मिलेगा और इंटरनेशनल योगा डे जो है वो इक्कीस जो जून को सेलिब्रेट किया जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं यहीं से ही इंस्पिरेशन आप लोगों को देखने को मिलती है काफी इंपोर्टेंट है तो ऐसी पर्सनैलिटी बनो यार दुनिया में कि सब कुछ आप लोगों को जाने के बाद भी यहाँ से दुनिया जो है वो याद रखे ठीक है तो ये कुछ बातें हैं बाकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भी यहाँ पर एक तरीके से काफी ज्यादा एक मॉडर्न इंडिया को जो एक फॉलो करना चाहते थे मॉडर्न इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर चले थे वो भी यहाँ पर इनसे विवेकानंद जी से जो थे वो काफी इंस्पायर थे आप लोग ऐसा बोल सकते हो ठीक है तो ये कुछ बातें हैं बेलूर मठ आप लोग जानते हैं यहाँ ये सारी बातें बाकी जो बेसिक चीजें हैं वो आप लोग को बता पता ही है सारी ठीक है तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं बाकी और क्वेश्चन आप लोग के सामने कि वर्ल्ड जो ये मैंने आप लोग को हालांकि बताया दिया वर्ल्ड जो पार्लियामेंट रिलीजन शिकागो के अंदर में किस साल में यहाँ पर देखने को मिली ठीक है तो ये आप लोग याद रखें यहाँ पर ये है एटीन ठीक है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं इसी के साथ में हाँ पर बात की जा रही है कि कौन से जो फ्रीडम फाइटर थे जिनके द्वारा विवेकानंदा द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला गया ठीक है ये यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बोला गया तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर इसको अटेम्प्ट आप लोग बात की जा रही है इनके द्वारा स्प्रेड की गई टीचिंग ऑफ वेदांत एज ए जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती थी जो स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ में भी यहां पर ये एक तरीके से समाहित थी तो ये इस टाइम से यानी कि छत्तीस से लेकर अठारह तक देखने को मिले इंप्रूव किया जा रहा है पर सोशल यानी कि सोसाइटी की कंडीशन यहां पर सुधारने की कोशिश की गई तो यहाँ पर आंसर क्या होगा ओनली वन ओनली टू बोथ ये फिर नन तो याद रखेगा इनकरेक्ट पूछा गया है तो इनकरेक्ट यहां पर ये क्योंकि स्वामी जी से रिलेटेड नहीं है यहाँ पर ये अगर बात करें ये बेसिकली यहां पर किससे रिलेटेड है इसके बारे में अगर आप लोगों से पूछ जाए तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये है रामकृष्णन ठीक है जो सेंट थे उनसे लेटे ना कि स्वामी विवेकानंद जी से तो कई बार कंफ्यूजन आया था वो इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के ठीक है तो इनकरेक्ट पूछा गया तो आंसर यहां पर ए हो गया तो डायरेक्ट कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे बनते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो माइंड में क्लियरिटी रखिएगा ठीक है ये ऐसा आर्टिकल है यार जो सुनकर इंसान का इंसानियत पे से विश्वास उठाता है मेरा मतलब सोचने जब मैंने पढ़ा ये आर्टिकल मैंने कहा कितना इंसान गिर गया है यहां पर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर पता चला तो बोला कि ये काफी बड़ा एथिकल कंसर्न है यानी कि एथिक्स के अंदर यहाँ पर इस केस स्टडी आप लोगों से पूछी जा सकती है कि आप लोगों के सामने अगर कोई ऐसा केस निकल कर आता है कि एक कंपनी है जिसका नाम है डोलो डोलो कंपनी ने यहाँ पर एक हजार करोड़ रुपए का खर्चा किया डॉक्टरों को देने के लिए ताकि डॉक्टर जो हैं इनकी दवाइयों को रिकमेंड कर सकें सबको डोलो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि आज के दिन में छोटा छोटा बच्चा भी यहाँ पर डोलो का नाम जानता है आखिर कहाँ से ये दवाई एकदम निकल कर आ गई इतने लार्ज स्केल पर और ये समाज में फैल गई जो भी बात करें डोलो दे दिया दे और कोविड नाइनटीन के टाइम पर तो डोलो इंसानों के पर्स में पॉकेट में हर जगह ऑफिस में गाड़ी में मतलब जहां पर भी जा रहा है हर जगह डोलो आप लोगों को देखने को मिलती थी तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली तो जब इसके पीछे स्टडी इस की गई तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर पता चला उसने बोला कि काफी कंसर्न है और ये एक तरीके से अनएथिकल है यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर को दबा कर पैसा खिलाया गया तो ये पब्लिक जो एक तरीके से इंटरेस्ट में यहाँ पर जो लिटिकेशन गई उसमें पता चला कि कितनी खतरनाक सिचुएशन यहां पर देखने को मिल सकती है ठीक है ये हाँ पर जो कंडीशन निकल कर आई तो यहां पर जो ड्रग गिफ्ट देना, देना डॉक्टरों के पार लाइन लगे रहते हैं कि हमारी कंपनी ने दवाई निकाली है तो सैंपल्स आप लोग को दिखाते यहां पर नजर आते हैं तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ही जो कोई भी प्रोडक्ट निकालता है तो सबसे पहले उसके पास में जाता है जैसे कोई नई बुक लिखता है तो मेरे पास में बहुत मेल आते हैं ठीक है कि सर इसका प्रमोशन कर दो ये जो बुक है ठीक है तो उसमें जो बुक है कोई कैसी बुक लिख रहा है कोई कैसी बुक लिख रहा है ठीक है तो बहुत सारे प्रमोशन के वो आते हैं कि सर इसका प्रमोशन कर दो पर लेकिन यार वही चीज़ें ये चीज़ें मतलब अंदर से जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करी उसके बारे में कैसे बता दूँ मैं आप लोग ये बोलो जैसे मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ ये ठीक है मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं पैड यूज़ कर रहा हूँ आंसर जो यहाँ पर पैड यूज़ कर रहा हूँ राइटिंग करने के लिए कलम ये पेन यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने इनको इस्तेमाल किया है मैं बता बता सकता हूँ कि हाँ मैं इनको पिछले पाँच छः साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कैसी है यहाँ पर ये पैड कैसी है ये पेन कैसा है ये माइक तो अगर मैं आप लोगों को यूज़ करूँ और बताऊँ कि हाँ यार इसको ले सकते हो तो ये जैनविन बात है कि हाँ मैं वो प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उनको यूज़ किया तो मुझे पता है वो सही है गलत है एक ऐसी चीज़ कैसे लोगों को रिकमेंड कर दूँ जिसके बारे में मैंने कभी जाने नहीं जो कि जिसके बारे में कभी टच में नहीं आऊँ मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सही नहीं है सही हो सकती है पर लेकिन मैं क्यों रिकमेंड कर दूँ जब मैंने उसको कभी देखा ही नहीं ढंग से मैंने उसको पढ़ा नहीं ठीक है तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं तो कई सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं तो आप लोग समझ सकते हैं इन चीज़ों को ये काफ़ी एक तरीके से मतलब किसी को भी यार मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा किसी को आप लोग कोई चीज़ रिकमेंड करनी है ना आप लोग तभी रिकमेंड करो अगर वो चीज़ आप लोग इस्तेमाल करते हो और अगर आप लोगों को फिर से बोले कोई इस्तेमाल करने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे नहीं कि एक्ट्रेस की तरीके से कि कमला पसंद खा लो उधर वहाँ पर वो चॉकलेट का ऐड करती है वो आइसक्रीम का ऐड करती है और वो बंदी खाती नहीं है इसको आलिया भट्ट देखा आप लोगों ने मतलब उसने खुद बोला कपिल शर्मा के शो में ठीक है मीठा नहीं खाती हूँ और वो चॉकलेट का ऐड कर रही है तो अपनी बॉडी फिट रखनी है अपने आप को बिल्कुल अच्छा दिखाना है पर लेकिन जनता जो है वो भाड़ में जाए जिस जहाँ से पैसा कमा रहे हैं जहाँ से इनकी रोजी रोटी चल रही है ये उन्हीं को इज्जत नहीं दे रहे हैं तो ये सबसे एक तरीके से गलत चीज़ है इनके कस्टमर जो होता है वो कौन होता है वो इस तरीके से भगवान होता है जब तक तुम कस्टमर को भगवान नहीं मानोगे तो अपनी दुकान कैसे चलाओगे तो वो वाली कंडीशन है यहाँ पर तो एक अलग ही लेवल पर चीज़ें चल रही हैं तो मतलब उनका कम से कम गलत मतलब एक तरीके से सही चीज़ नहीं बता सकते तो कम से कम गलत भी मत बताओ उधर देख लो अजय देवगन साहब जो है यहाँ पर अक्षय कुमार शाहरुख खान मतलब पैसे के लिए सारे जो है घुटके के ऐड में आ गए जरा सी देर में तो ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है यार मतलब तुम पैसा कमा रहे हो तो पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हो फिर बाद में कह रहे हैं कि हाँ मैं इस पैसे को यहाँ दे दूंगा वो दे दूंगा फला टिमकाना पहले नहीं बुद्धि में थी यार थी ये बातें है यहाँ पर अजय देखो छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है वो कह रहा है मैं क्यों छोड़ू वो ये कह रहे हैं भाई साहब कि गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए अगर यहाँ पर ये इतनी गलत चीज है तो उनकी भी बात सही अगर देखा जाए तो अगर इतनी गलता है गवर्नमेंट को बैन नहीं कर रही है गवर्नमेंट को अपना प्रॉफिट है क्योंकि वहां से उसको टैक्स मिल रहा है दबाकर मतलब पूरा लूप होल आप लोगों को देखने को मिलेगा एक बच्चा कह रहा है एक दिन सर बीडी सिगरेट इतने बारे इनके ऊपर वार्निंग जाती है इनको बैन क्यों नहीं कर देते इतना मोटा टैक्स आता ना वहाँ से निकलकर जिसकी कुछ हद नहीं है देखा आप लोगों ने कोविड नाइनटीन के टाइम पे सबसे पहले क्या खुला शराब की दुकानें खुली क्यों उसके सामने दुनिया भर की लाइनें लग गई उसके रीजन ये था कि वहां से दुनिया भर का टैक्स मिलता है इनको जिसके बेस पर इनकी दुनिया चलती है अभी यहां पर क्या कंडीशन निकल कर आई यहां पर ये कंडीशन निकल कर आई कि जो डोलो कंपनी है जो कि यहां पर डोलो की जो कंपनी है यहां पर जो ये दवाइयां बेच रही है इसके द्वारा 1000 करोड़ रुपए की ब्राइब दी गई ब्राइब दे सकते हैं या फिर बोल सकते हैं फ्री बीज बांटी गई फ्री बीज का मतलब क्या है गिफ्ट के तौर पर यहां पर लोगों को सामान दे गए जैसे कि पेन का स्टैंड दे दिया ठीक है कैलेंडर पकड़ा दिया डायरी पकड़ा दी सैनिटाइजर पकड़ा दिया डॉक्टरों को तो यहाँ पर ये फ्री में पकड़ा दिया वैसे पैसा लगता है पर लेकिन फ्री में किसी को मिल रहा है अगर उसको क्या बोला है बस आपको क्या करना है हमारी दवाई रिकमेंड करनी है ठीक है किसी को यहाँ पर फ्री में डिनर डिनर प्रोवाइड करा दिया ठीक है ऐसे आप लोग समझ सकते हैं ठीक है आपकी और आपकी वाइफ के लिए ये छुट्टी का टिकट है आप लोग घूम कर आइए जो अच्छा सा डॉक्टर है जो अच्छी खासी काम कर सकते हैं गिफ्ट के तौर पर पर लेकिन मैक्सिमम जो गिफ्ट थे जो यहाँ पर काउंटेड गिफ्ट थे वो सारे पांच सौ रुपए के नीचे हैं तो यहाँ पर इसलिए वो ब्राइब में काउंट नहीं होते हैं कि डोलो डोलो मार्केट में हो गई कैसे तो तब पता चला पर इसके ऊपर काम करने की बात की गई ठीक है तो यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस के अंदर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उसका दायरा पार किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में यहां पर ये कोड लेकर आया गया था ताकि सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल किया जा सके चाहे वो किसी भी एरिया में क्या हो तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर दवाइयां बनती है और वो दवाइयां जिनको लोग बिल्कुल भगवान के तरीके से देखते हैं कि बुरे टाइम में ये जो है हमारी जान बचा सकती है तो इसके लिए जरूरी है यहाँ पर हालांकि ये फॉलो करने हैं कोड पर लेकिन ये कोई लीगली बाइंडिंग कोड नहीं है ये एक तरीके की गाइडलाइन है मैंने कहते कि माँ बाप कहते हैं बच्चों की बेटा यहां पर मत जाना चोट लग जाएगी यहां पर मत जाना इस इंसान की संगति खराब है तुझे गलत डायरेक्शन में लेकर चला जाएगा तो माँ बाप तुमको ऐसा थोड़ा कि बाइंडिंग है तुम्हारे ऊपर कि अगर नहीं जाओगे तो तुमको जेल में भेज देंगे ऐसा थोड़ा ना है तो एक तरीक गाइडलाइन है अब फॉलो करना ना करना वो आपके हाथ में अब आप लोगों के पीछे माँ बाप तो भागेंगे नहीं अब मैं आप लोगों को बोलता हूं मैंने कहा आंसर लिख लिया करो अब इसकी क्या गारंटी है कि मतलब सारे बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो पर्टिकुलर अपने आप से ही आंसर दे रहे हैं सर्च कर कर देखकर ऐसे भी तो हो सकते हैं कुछ इधर उधर से उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि कोशिश करो कि स्टार्टिंग के एक घंटे में जैसे वीडियो आ रही है उसके एक घंटे के अंदर अंदर जो है आंसर मिल जाए तो ही मैं जो है आंसर यहां पर नॉर्मली लगाता हूं कई सारे बच्चे बोलते हैं हमारा आंसर इंक्लूड क्यों नहीं किया ठीक है तो ये आप लोग देखते हैं तो इसका रीज़न रहता है क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें करते हैं तो आप लोग मॉर्निंग में जल्दी उठो उससे आदत भी आप लोगों की बन जाएगी तो ये चीज़ें हैं तो हेल्थ केयर के फील्ड में भी यहां पर इसी तरीके से आप लोग चीजें देख सकते हैं तो गलत तरीके से चीज़ें जो है ना तो पब्लिश करनी है इसीलिए जो ये मैंने बताया ना आप लोगों को कि यूनिफॉर्म कोड जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस तो ये लेकर आया गया तो यहां पर इसके चलते यहां पर वॉलंटरी ये कंप्लायंस आप लोग ही है कोई नहीं फोकस कोई नहीं कर रहा है ठीक है तो यहां पर इसके चलते यहां पर आगे चलकर इसको हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसको बांधा जाए पर लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो ऐसी चीजें होती हैं कि ये चलती रहती हैं अभी भी अंडर कंसिडरेशन चल रहा है अभी फाइनल इसको बेसिकली बांधने की बात नहीं की गई है बस चलती हुई आ रही हैं चीजें तो बांधने की बात करनी चाहिए इसके ऊपर तभी चीजें जो है वो सुधर पाएंगे क्वेश्चन भी आप लोगों से अगर पूछे तो हल्का सा क्वेश्चन भी आप लोग यहां पर अटैम्प्ट कर सकते हैं वैसे इसके बारे में ये चीजें कहां कहां पर कैसे कैसे चीजें बढ़ी क्वेश्चन के यहाँ पर यूनिफॉर्म कोड फॉर द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग जो प्रैक्टिस है यहाँ पर इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बोला गया इसके लिए गाइडलाइन पब्लिश की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दो में पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू है ये लीगली बाइंडिंग है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर कोशिश तो की गई थी पर लेकिन नाकाम रही तो लीगली बाइंडिंग तो नहीं है ठीक है तो आंसर यहां पर क्या हो गया आंसर यहां पर आप लोगों के सामने ए हो गया तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तो कम से कम यार डॉक्टर और जो टीचर होते हैं ना ये ऐसे लोग होते हैं अगर ये गद्दारी करने लगेंगे तो भाई साहब बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी और बहुत सारे लोगों के बिगड़ जाएंगे बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे तो कम से कम इन दोनों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और यहाँ पर भी टीचर ही काम आता है उस टीचर ने किसी ने उस डॉक्टर को पढ़ाया होगा तो उसके अंदर एथिकल प्रैक्टिस नहीं डाली होगी ठीक है तो जरूरी है अगर वो नहीं है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है ये मेरी पर्सनल राय थी कुछ बातें अगर आप लोगों को बुरी लगती हो कई बार एक बच्चा कह रहा है कि सर सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं आप ऐसा कैसे बोल देते हो यार देखो मैं सबके लिए ही नहीं बोल रहा हूं यहां पर ये सब इंसान एक जैसे होंगे तो पांचों एक बराबर हो जाएगी ना अब आपको लगता है कि आपके घर में सारी चीजें अच्छी हैं, पर लेकिन इसका मतलब कि दूसरे घर में भी सारी चीजें अच्छी हैं एक इंसान ऐसा है जिसके मम्मी पापा जो हैं उनके बीच में इतने झगड़े होते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है और बच्चों के सामने झगड़ते हैं दारू वारू पी के पापा आते हैं कई बार ऐसे भी घर देखने को मिलते हैं ऐसे भी मेल आते हैं मेरे पास में ठीक है कुछ ऐसे भी हैं जिनके मम्मी हैं किसी के पापा नहीं किसी के पापा हैं किसी की मम्मी नहीं है तो यार सबकी सिचुएशन अलग है आपकी सिचुएशन आपके हिसाब से है पर लेकिन इसको आप लोग थोड़ा समझा करो ठीक है तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं बोलता हूँ वो किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं कई सारे बच्चे दिल से लगा जाते हैं सर हमको ऐसे कैसे बोल दिया तो यार किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी पर लेकिन मेरी कोई इंटेंशन उसके पीछे ऐसी नहीं होती है कि आप लोग किसी भी तरीके से कुछ गलत बात बताई जाए ओके okay? दोस्तों ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं और खासकर अगर आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर आप लोग जैसे रिपोर्ट्स होती हैं या फिर रिपोर्ट्स के नेम या फिर जो डेटा होता है वो अगर आप लोग वहाँ पर मैंशन करते हैं तो ये एक काफ़ी ऑथेंटिक आंसर माना जाता है यानी कि जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो यहाँ पर समझेगा कि इंसान जो है वो चीज़ों को समझता है तो बात करेंगे यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ट्वेंटी के बारे में तो विश्व ऊर्जा जो रोजगार रिपोर्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसका मतलब क्या है अगर आप लोग रिपोर्ट से ही कुछ समझने की कोशिश करो तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग नाम से समझ सकते हो यानी कि जो दुनिया में एनर्जी है वो एनर्जी कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार मिलता है ये रिपोर्ट जो है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रही है तो इसको आप लोग कैसे समझ सकते हैं जैसे सोलर एनर्जी अगर हम लोगों को जनो जन्ण, जनरेट करनी है तो उसके लिए कोई ना कोई पैनल बनाएगा कोई ना कोई उसको आप लोग घर पे इंस्टॉल करने भी आएगा इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग पूरा पर्टिकुलर सिस्टम जो लगाते हैं उसमें आप लोग बैटरी वगैरह या फिर जो भी चीजें आप लोग इस्तेमाल करते हैं वे भी कहीं ना कहीं बनाई जाती होंगी तो इसकी वजह से कितने सारे लोगों को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार की गई क्योंकि पता तो होना चाहिए ना यार जो सी एनर्जी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस एनर्जी की वजह से क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है अगर लोगों को रोजगार मिल रहा है और वो एनर्जी जो है इन्वॉर्मेंट के लिए भी अच्छी है तो दोनों एक तरीके से वही काम हो गया कि आम के आम और गुठलियों के दाम

तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं ये इंटरनेशनल लेवल की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में बेसिक आप आप लोग याद कि कि इसका लोगों को पेरिस यानी फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा इसी के साथ में इसको बनाया गया था नाइनटीन में उन्नीस में इसको बनाया गया था ठीक है इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसी है इसका फोकस ये रहता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है ऐसे एनर्जी पर फोकस करें जो कि इन्वॉर्मेंट के लिए काफी अच्छी हो लोगों के लिए काफी अच्छी हो और उसके बारे में जो जो भी रिकमेंडेशन दी जा सकती है उसके ऊपर इनका पूरा फोकस रहता है और अब तो ये पूरा फोकस जो देकर चल रहे हैं वो है एक तरीके से ऐसी एनर्जी के ऊपर जो कि कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि इन्वॉर्मेंट के लिए काफी अच्छी हो ठीक है टोटल मिलाकर आप लोगों इसमें थर्टी वन यानी कि टोटल मिलाकर आप को इकतीस मेंबर आप लोगों इसमें देखने को मिलेंगे पर लेकिन अगर आप लोगों से पूछे क्या इंडिया इन 31 मेंबर में इंडिया का नाम आप लोगों को देखने को मिलता है तो इंडिया का नाम आप लोगों को वहां पर देखने को नहीं मिलता है जी हाँ ये आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना तो कंफ्यूज मत होना इस एजेंसी के बारे में तो इसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी इंप्लॉयमेंट रिपोर्ट ट्वेंटी और ये एजेंसी होगी जो कि ग्लोबल लेवल पर एनर्जी के बारे में बात करती है और ये ये बताती है कि एनर्जी सेक्टर जो है उसमें लगभग पैंसठ मिलियन लोग जो है वो आज की डेट में काम कर रहे हैं पैंसठ मिलियन लोग ठीक है यानी कि जो टोटल इंप्लॉयड लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका दो प्रतिशत जो है वो एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं अगर उसका डेटा आप लोगों के सामने कोई उठाकर रखेगा और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो एक प्यारा फैक्ट मुझे यहां पर लगा वो ये है कि जो एनर्जी सेक्टर है जिसमें लोग काम कर रहे हैं फिफ्टी ऑफ टोटल एनर्जी वर्क है यानी कि जो क्लीन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं ये वही क्लीन एनर्जी है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे अगर आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन देखा है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जैसे आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द ये पर ऑर्डर ऑफ द डे ठीक है तो यानी कि यहां पर इसी के बारे में हिंदी में भी अगर आप लोग देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करा दी हैं। तो आप लोग देख लेना यहां पर ये यह जो मैंने आप लोगों को बोला था जीएससी पर टू का एनालिसिस आप लोगों को देखने के लिए बोला था ये प्रॉपर आप लोगों को मिल जाएगा और पेपर भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया मैंने आप लोग देखते हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर ठीक है

खासकर जो उनके कॉम्पोनेंट है ठीक है वो काफी बड़े ड्राइवर होते हैं इंप्लीमेंट जनरेट करने के जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर आप लोग क्या बताया सोलर एनर्जी में जब सोलर पैनल बनाए जा रहे हैं या फिर उनको इंस्टॉल किया जा रहा है तो ये काफी इंपोर्टेंट एरिया आप लोग बोल सकते हैं ये जो मैं आप लोगों को छोटी न्यूज कवर करवाता हूँ ना इनको ऐसा नहीं कि ये बेसिकली आप लोग की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर ही पूछ जाएगा ये इस तरीके की न्यूज जो है आप लोगों से डायरेक्ट जो आंसर राइटिंग में भी आप लोग ये डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसलिए इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है तो रिपोर्ट के बारे में जान लिया इस एजेंसी के बारे में जान लिया इसके अंदर क्या क्या डेटा है कुछ इंपोर्टेंस कुछ इंपोर्टेंट बातें भी हम लोगों ने देखी ओके ये है नेशनल बोर्ड ऑफ एमएसएमई जो बेसिकली यहां पर एमएसएमई क्या होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जिसको आप लोग सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के नाम से जानते हैं उसके उसका एक नेशनल बोर्ड यहां पर है जिसके बारे में बात की जा रही है सबसे पहले तो जो एमएसएमई है यही काफी इंपॉर्टेंट है बहुत लार्ज स्केल पर हमारे देश में रोजगार प्रोवाइड कराते हैं अगर उसको नेशनल लेवल पर हम लोग देखेंगे तो उसका जो बोर्ड है तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं जैसे टी बोर्ड से क्वेश्चन आप लोग पूछ ले आते हैं ऐसे यहां पर एमएसएमई बोर्ड से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसकी अभी रिसेंटली 18वीं मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली ये जो बोर्ड था ये एस्टेब्लिश किया गया था 2006 में और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्यों क्योंकि ये जो बनाई गई है ये एक एक्ट के एक थ्रू बनाई गई है स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है ये एक कानून के थ्रू बनाई जाती है यानी कि जब पार्लियामेंट में हम लोग एक्ट पास कर कर किसी पर्टिकुलर बॉडी को बनाते हैं या संस्था का हम लोग निर्माण करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी यहां पर बन जाती है स्टैट्यूटरी मतलब कानून के थ्रू लॉ के थ्रू यहां पर ये बॉडी बनाई गई है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये फोकस ये करती है कि जो एमएसएमई वाला सेक्टर है कैसे हम लोग उसके लिए पॉलिसी बना सकते हैं कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं और अच्छे लेवल पर कैसे इस सेक्टर को और लेकर जा सकते हैं क्यों क्योंकि बहुत ही लार्ज स्केल पर ये जॉब प्रोवाइड कराता है लोगों को और अभी कोविड नाइन्टीन के चलते इस सेक्टर में काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिली ताकि वो जो दिक्कतें अभी हैं उनको दूर किया जा सके और अच्छे लेवल पर काम किया जा सके तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से एक सपोर्ट प्रोवाइड कराती है तो यहां पर जो भी जो रिप्रेजेंटेड जो रिप्रेजेंटेशन होती है ऑल द जो यहां पर सेक्शन या फिर सेगमेंट्स होते हैं वो यहां पर एक तरीके से जो माइक्रोस्म मीडियम एंटरप्राइज के मैन्युफैक्चरिंग के सर्विसेज के वुमेन इंटरप्राइज के सेंट्रल जो मिनिस्ट्रीज हैं वो मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं देखिये जब कोई दिक्कत आने लगती है ना तो सब यहां पर मिलकर काम करते हैं तभी सिचुएशन जो है वो आप लोगों को सुधरती नजर आएगी ठीक है तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं आप लोगों ने देखा होगा अभी यहाँ पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं अगर YouTube के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँ तो यहाँ पर कई सारे टीचर ऐसे हैं जो कई बार परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर अभी एक टीचर थे मैथ के टीचर थे उनका एग्जैक्ट नाम तो मुझे मतलब याद नहीं है उनकी एक वीडियो जो थी वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी वो रो रहे थे ठीक है यार टीचर है और पब्लिकली आकर रो रहा है ठीक है तो जेनविन प्रॉब्लम होगी ऐसे कोई आदमी नहीं है जो कि फालतू में आकर इस तरीके के एक तरीके से पब्लिकली आकर रोएगा पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू यहां पर कई सारे लोग ऐसे थे जो मजाक बना रहे थे उनकी ठीक है तो वो चीज मुझे बड़ी ओढ़ लगी यार मतलब एक तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सन की मजाक उड़ाई जा रही है और वो भी एक तरीके से मतलब टीचर ही उसकी मजाक उड़ा रहे हैं तो वो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो यार अंदर मतलब दुख होता है कि एक टीचर कम्युनिटी का पर्सन होकर एक टीचर को सपोर्ट नहीं कर रहा है और टीचर यार एक ऐसा टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है मतलब जो हर एक इंसान को वो तैयार करता है एक देखो टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो टीचर को भी टीचर ही तैयार करेगा बाकी इंजीनियर डॉक्टर आई प्राइम मिनिस्टर सीएम गवर्नर जो भी आप लोग जाएंगे प्रेसिडेंट या फिर कोई मिस्त्री होगा कोई मैकेनिक कोई रिक्शा वाला कोई चाय वाला कहीं ना कहीं जो भी निकल कर आएगा वो एक टीचर से ही निकल कर आता है ठीक है वो टीचर ही टीचर को तैयार करता है तो ये एक ऐसा कारीगर है जो अपने आप को तो बनाता ही है ये एक समाज को बनाता है तो यार थोड़ी सी मतलब ये थोड़ी सी तो मतलब एक नहीं कि लाइन रेखा होनी चाहिए कि कहाँ पर कम से कम एक सामने वाला अगर मजबूरी दिखा रहा है या बता रहा है पब्लिकली आकर इस तरीके से दिक्कतें बता रहा है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो तो वो यार मतलब लगा थोड़ा सा मुझे तो मुझे लगा बोलना सही नहीं है मतलब कहने का ये है जो भी है ठीक है आगे चलते हैं आगे बात करते हैं यहां पर यूएन ग्लोबल कांग्रेस के बारे में तो यहां पर बात की जा रही है यूएन ग्लोबल कांग्रेस ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म आप लोग ये देखिए जैसे पाकिस्तान है उसने आकर हमारी कंट्री में जे एंड के में कोई बॉम्ब फेंक दिए और वहां पर कोई पर्टिकुलर इंसान की डेथ होगी उस इंसान की डेथ गई तो उसके मान लीजिए बच्चे भी हैं ठीक है उसकी वाइफ भी है उसके माता पिता भी हैं अब उनकी दिक्कतें आप लोग समझ सकते हैं कितनी ज्यादा बढ़ गई उसकी वजह से तो यहां पर ये एक तरीके से विक्टिम हो गए उस टेररिज्म उस आतंकवाद के तो उनके अधिकार के बारे में कौन बात करेगा उनको किस तरीके से रिक्वायरमेंट है उनको एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी बच्चों को वहां पर घर में अगर कोई बुजुर्ग होगा उसकी हेल्थ की भी यहां पर रिक्वायरमेंट होगी डे बाई डे की चीजें कैसे चलेगी तो अभी यहां पर रिसेंटली इसके ऊपर बातें की गई बैठकर न्यूयॉर्क के अंदर में और ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर जो टेरिज्म इसके द्वारा यहां पर ये देखने को मिला तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रखेगा तो ये इस तरीके की फर्स्ट यूएन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी ऑन द विक्टिम ऑफ टेररिज्म जो कि अभी रिसेंटली देखने को मिली और जब भी कोई चीज़ इस तरीके की पहली होती है तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि वहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाया करते हैं

हमेशा बात करते ही रहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल जो टेरिज्म है उसको कैसे कंट्रोल करने तो उसमें हमारे पड़ोसी जो भाई बहन है जो भाई दोस्त हैं हमारे मतलब चाइना और पाकिस्तान उनका थोड़ा साथ चाहिएगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म जो है वो काफी लार्ज स्केल पर पनपता है उनकी गवर्नमेंट इतनी ताकतवर नहीं है कि उनके साथ में आकर खड़ी हो सके उसका रीजन ये भी रहता है कि कई बार आर्मी जो है वो भी यहां पर टेररिज्म को सपोर्ट करती हुई नजर आती है और यहां पर चाइना उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है अगर कोई उठाता है तो उसको सपोर्ट नहीं करता है यूएन के अंदर में तो दिक्कत क्या हो गई दिक्कत तो सीधी सीधी ये हो गई ना यहाँ पर कि अब अगर देखा जाए तो सामने वाला बदतमीजी कर रहा है और तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो और सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो तुम चुप भी बैठे हो तो भी सपोर्ट हो रहा है ना तो ये दिक्कतें देखने को मिल रही है तो ये काफी बड़े इश्यू है जो की बात की जा सकती है इन्वॉर्मेंट के अंदर आप लोगों को छोटे छोटे से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनसे कई बार कई सारे क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं आप लोगों को ये लगता है यार ये कहां से आगे तो भाई साहब यहां से आगे अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा फिर बोलोगे कि सर ने पढ़ाया नहीं सर ने पढ़ाया था आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा और रिविजन नहीं किया ठीक है ये आप लोग थोड़ा देखेगा इसके बारे में बात करते हैं तो पूछ ले यहां पर बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि एस क्या है इसको स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम बोलते हैं क्या है बेसिकली कब लॉन्च किया गया तो ये एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है यानी कि जैसे अगर छोटा छोटा पैसे इकट्ठे करके यहां पर किसी की हेल्प करनी हो तो उस तरीके से आप लोग यहां पर बोल सकते हैं इन्वायरमेंट के फील्ड में अगर आप लोग बात करें छोटा छोटा मतलब कितना भी माइन्यूट जो भी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा सके तो इसमें ग्रांट देने की बात यहां पर की जाती है तो यहां पर एक तरीके से जो कॉर्पोरेट प्रोग्राम है ये एक का कॉर्पोरेट प्रोग्राम है यहाँ पर जिसमें फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है फाइनेंशियल मतलब पैसों से टेक्निकल मतलब जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है सिविल सोसाइटी में जिस समाज में हम लोग रहते हैं उसके अंदर में ताकि कल को इन्वॉर्मेंट की वजह से अगर कोई इशू आता है तो उसको टैगल किया जा सके मोटे मोटे तौर पर समझाता हूँ जैसे मान लीजिए कोस्टल एरिया है हमारी कंट्री में यहाँ पर आप लोगों को पता है टोटल मिलाकर नौ राज्य हैं जो कोस्टल एरिया में आप लोगों को देखने को मिलते हैं ये नौ राज्य जो यहाँ पर है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मछली पालन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कल को चलकर अगर समुद्र का पानी बढ़ता है ठीक है तो कोस्टल एरिया का जो एरिया डूबने लगता है यहां पर और समुद्र का पानी अगर गंदा होता है तो मछली वहां पर उसके अंदर मरने लगेंगी और बीमारियां फैलने लगेंगी तो जरूरी है कि इसका सोल्यूशन यहां पर निकाला जाए तो उसके चलते यहां पर कोई ना कोई सपोर्ट देखने को मिलेगी पैसा लगेगा तो ये पैसा जो है वो यहां से निकल कर आएगा ठीक है ये जो लॉन्च किया गया था ये 1992 में लॉन्च किया गया था आज का नहीं है बाबा आदम के जमाने का प्रोग्राम है ये और हां कहां पर जो रियो अर्थ सबमिट हुई थी ये कहाँ पर है ये आप लोगों को बता रहे कई सारे बच्चे यार इतने शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं मतलब देखकर मजा आ जाता है अगर आप लोग देखोगे यहां पर एक पर्टिकुलर ऐसे फैमिली मेबर है जिनका नाम है बेसिकली हरदेव ठीक है तो इनके द्वारा इनके आंसर देखिएगा मैंने पिन किए हैं कल की वीडियो के नीचे इन्होंने हिंदी और इंग्लिश में टोटल डिटेल आंसर दिए हैं ठीक है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग सब हिंदी और इंग्लिश में दो पर लेकिन पिन मैंने इसलिए किए क्योंकि कल भी इनका नाम था आज भी इनका हो गया वो इसलिए किया मैंने क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो कई सारे बच्चे ना आंसर देखते हैं हिंदी वाले या फिर इंग्लिश वाले तो दोनों आंसर आप लोग को एक जगह मिल गए ठीक है तो इस तरीके से आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं इसी के साथ में शानदार तरीके से आंसर दिए गए यहाँ पर बबीता के द्वारा भी इनके द्वारा काफी अच्छे आंसर यहाँ पर दिए गए तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो आप लोग देखा करो जो पार्टिसिपेट करते हैं वो यहाँ पर खोज खोज कर चीजें लेकर आते हैं और फिर उसको लिखते हैं और जब एक बार इंसान चीजों को लिख लेता है तो फिर उनको भूलता नहीं है तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखेगा वन थर्टी सिक्स कंट्री है जिसमें फंड जो ग्रांट है लगभग यहां पर पचास हजार डॉलर तो यहां पर देखने को मिल रहा है ठीक है जो कि यहां पर अगर बात करें एक स्मॉल ग्रांट के तौर पर सेवंथ फेज जो है इस प्रोग्राम का यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हमारे देश में जो यहाँ पर इसी के साथ में यू यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है और एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट जिसका नाम है टीईआर -E ये कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसकी यहाँ पर मैच करने के लिए एक स्टेट पीसीएस में मैंने क्वेश्चन देखा था एक बच्चे के द्वारा सेंड किया गया था तो जो भी आप लोग पेपर देकर आते हो पेपर सेंड करते रहते हो तो कई बार जो है मैं उस पर नजर मार लेता हूँ तो इस तरीके से समझ सकते हैं ठीक है तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट हमारे देश में कहां पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है और ये भी स्टेब्लिश किया गया था नाइनटीन में ठीक है तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके बारे में जो कि बेसिक है पर लेकिन आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा ओके खीरा आप लोगों ने किस किसने खाया है यहां पर मैं वो वाले खीरे की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं सी कम्बर के बारे में बात कर रहा हूँ ये एक जानवर है जो कि सी यानी कि समुन्द्र की तलहटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये आप लोग देखते हैं ये बिल्कुल तलहटी में जाकर बैठते हैं यहां पर तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्यों न्यूज में न्यूज में है कि इंसान जो है वो इंसानियत छोड़ के सब चीजों के पीछे पड़ गया है अभी स्टडी यहाँ पर ये निकल कर आई है कि सबसे ज्यादा ये बेसिकली एक तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला या फिर इसको नहीं गलत तरीके से इस्तेमाल की जाने वाली ये एक मेरीन स्पीसीज है दो से लेकर दो तक का सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया गया निकाल निकाल कर ठीक है ये सी जो होता है ये एक पार्ट ऑफ एनिमल है जिसको यहां पर के नाम से आप लोग जानते हैं और ये एक मरीन जो यहाँ पर इनवर्टिवरेट है मतलब एक तरीके से आप लोग यहां पर बोल सकते हैं सबसे पहले तो यहां पर इसकी कैटेगरी में कौन कौन आता है जैसे कि स्टार फिश हो गया ठीक है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा और सी को तो अभी मैंने आप लोगों को बताया इनवर्टिबरेट का क्या मतलब होता है इनवर्टिव एक तरीके से आप लोग ऐसा एनिमल बोल सकते हैं जो नाइदर और नोर डेवलप एजे जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर वर्टिबर कॉमन मतलब पहले आप लोग वर्टिब्रेट का अगर नाम आप लोग बता दिया जाए तो आप लोग समझ सकते हैं कि इंटरनल बैकबोन जिसके अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी यानी कि रीढ़ की हड्डी नॉर्मली बोल देते हैं ठीक है तो वो एक तरीके से तो यहां पर उसको जो सराउंडेड जो रहती है छोटी छोटी जो बोन्स रहती हैं उनको आप लोग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं ठीक है कभी रीढ़ की हड्डी की पिक्चर आप लोग देखिएगा आप लोग चीजों को समझ पाओगे तो इनके अंदर वो चीजें डेवलप नहीं होती है ये काफी माइन्यूट आप लोग को देखने को मिलते हैं सी फ्लोर यानी कि समुद्र की तलहटी पर यहां पर ये पाए जाते हैं तो सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह स्टेटमेंट देकर आप लोगों से पूछा जा सकता आप लोगों है आप लोग को बोल देंगे शाकाहारी या मांसाहारी या दोनों चीजें खाते हैं तो ओमनी बोलते हैं उनको यानी कि जो प्लांट्स भी खाते हैं और इसी के साथ में यहां पर एनिमल्स भी खाते हैं यानी कि इनको सब पछता है जैसे इंसान नहीं है इंसान एक ओमनी वोर है यानी कि जीव जंतु तो भी सब खाते हैं यहां पर और घास फूस भी खाते हैं तो दोनों तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये है इसी के साथ में इनकी जो कैटेगरी है ये थ्रेटन कैटेगरी में अगर ट्रीट इनको किया जाता है ये थ्रेटेड कैटेगरी में पहुंच गए क्यों क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा इनको फूड के तौर पर यूज़ किया जा रहा है जैसा मैंने बताया कि इंसान जो है इंसान से कैसे बचेगा तो, तो खा लेगा चल ठीक है घास फूस भी और थोड़े छोटे जीव वजन वजंतु पर इंसान तो देखाएगा इसका यूज मेडिसिन में भी किया जाता है ठीक है ओशन के अंदर जो एसिडिफिकेशन हो रहा है यानी कि जो नमक बढ़ रहा है उसकी वजह से और पानी का जो पोल्यूशन रहा है उसकी वजह से भी इनकी जान यहाँ पर जा रही है आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर में कानून है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जिसके अंदर इसको डाला गया तो लिस्ट है पर शेड्यूल जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है उसमें इंडिया के द्वारा बैन कर दिया गया सी सीकम्बर फिशरी यानी कि इसको कोई पकड़ेगा नहीं ये बैन है 2001 से और यहां पर स्टडी क्या निकल कर आती है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर 2015 से लेकर 2021 तक का ये काम किया ये है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी दीवार पर लिखा होता है ना कि यहाँ पर पैसाब करना मना है तो वहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे अक्सर आप लोगों को कई सारे मैप बने हुए मिल जाएंगे जो कि वहां पर लोगों ने पैसाब कर कर बनाए होते हैं तो ये हरकतें हैं यहाँ पर तो ये कई बार तो ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए मिलते हैं यहाँ पर गधे के पूत यहाँ पर मौत मोत ठीक है आप लोगों ने देखा होगा दीवार पर अगर यहाँ पर मोहता तो, तो, तो अपनी बाप की औलाद नहीं है कई <laughs> बार आप लोगों ने ऐसी चीजें देखी होंगी पर लेकिन वही इंसान तो वही है कि यानी किक मिलती है इन चीजों को करने में तो ऐसी हरकतें चलती हैं तो वर्ल्ड का फर्स्ट जो कंजर्वेशन एरिया है यहाँ पर सी को का वो स्टेब्लिश किया गया था कहाँ पर ये लक्ष्यद्वीप के अंदर में याद रखिएगा दुनिया का पहला कंजर्वेशन का क्यों 2001 में हमारे यहाँ बैन कर दिया गया 2015 से लेके 21 तक दबाकर लोगों ने फिर भी इसका इस्तेमाल किया तो प्रॉब्लम बेचारों की क्या ही बोले बस दिक्कत बहुत सारी है सुधर नहीं पाती है तो ये इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कन्फ्यूजन हो तो उसको दूर कर कर जाना है है ठीक एक ही आर्टिकल है हालांकि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था और आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी का जब यहां पर क्वेश्चन आए उसमें ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आप लोगों से पूछा गया ठीक है तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके बारे में डिटेल है मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था और इसी के साथ में यहां पर जैसे कि अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसमें कुछ ट्राइबल को डाला जा रहा है जैसे कि यहां पर मैंने बात की थी हैथ ट्राइब ठीक है तो यहां पर तमिलनाडु के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर इसी के साथ में छत्तीसगढ़ के अंदर कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो इसके अंदर डाली गई जयकाल जो कैचर भी यहां पर देखने को मिले बर्ड ईटर भी देखने को मिले तो ये सारा डिस्कस किया तो हल्का सा रिविजन हो जाएगा तो एक स्लाइड आप लोग यहां पर यह डाल दी गई है ठीक है चंद्र ग्रहण के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा उसी के बारे में बात की जा रही है लूनर ओकल्टिशन ये मतलब चंद्र ग्रहण आप लोग इसको बोल सकते हैं इसकी वजह से ये एक फिनोमिन है जिसकी वजह से अभी यहां पर फोर्टीन ऑफ सेप्टर को एक ग्रह था जो कि दिखना बंद हो गया यहाँ पर तो कौन सा ग्रह था जो दिखना बंद हो गया ये आप लोगों को बताना है ए में बोला गया अर्थ बी में बोला गया प्लूटो सी में बोला गया यूरेनस और सी में बोला जो डी में बोला गया मार्स तो सही आप लोगों को बताना है यहाँ पर कौन सा है इनमें से आप लोगों को सही आंसर बताना है सही आंसर क्या है यहां पर सही आंसर है यहां पर इसका सी ये है यूरेनस तो यहां पर जब ये चंद्र ग्रहण हुआ तो कुछ टाइम के लिए यहां पर जो यूरेनस जो है वो दिखना बंद हो गया पृथ्वी से ये बात यहां पर बोली गई जिसके चलते यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोजर को लोनार ओकेटेशन का नाम यहां पर दिया गया ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले अगर तो आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे यार ये क्या हो गया तो थोड़ा सा ध्यान से सुनागर चीजों को ठीक है जीडीपी दो हजार में अगर बात करें तो शेयर गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है जो कि काफी ज्यादा वायरल अभी हो रहा था हमारे देश में जो खर्चा किया जाता है हेल्थ के ऊपर में वो ना के बराबर है और ना के बराबर है उसमें ढंग से मतलब खर्चा नहीं किया जाता है तो अभी रिसेंटली इसका डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया और वो भी किसके द्वारा नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के द्वारा नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के द्वारा यहाँ पर ये कुछ बातें बताई गई कि हमारी कंट्री में हेल्थ के ऊपर ओनली वन ऑफ द जी खर्च किया जाता है तो ये काफी ज्यादा कम है अगर जितनी पॉपुलेशन है हमारी उसको ध्यान में रखते हुए अगर बात करें तो इसके ऊपर काम करना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम अगर गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी तो फिर क्या होगा यहाँ पर वो होगा आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर

जो कि सोचने के लिए मजबूर करे और ये क्यों ये वायरल हुए ये डेटा ये डेटा इसलिए वायरल हुआ यहां पर क्योंकि 2017 में जो 17 18 था, था उसमें यहां पर जो डेटा था वो था यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग है ये था 1.35 परसेंट ठीक है ये और घट गया है 2018-19 में तो इसकी वजह से लगा कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है कि और डेटा घट गया है यहां पर तो ये सोचने के लिए मजबूर यहां पर चीजें ठीक है ठीके? तो इसके बारे में याद रखिएगा आगे चलते हैं ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है इसके बारे में तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस भी किया था बोला गया कि इंडो जो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जिसको आईपीएफ बोलते हैं तो हमारा देश जो है अभी कौन सी इसके चार पिलर में से एक पिलर से बाहर निकल गया हमने बोला देख भाई हमारी जो है एक पिलर के साथ बन नहीं रही है क्योंकि ये जो तुम्हारा पिलर है वो हमें उसमें डाउट लग रहा है पहले तुम खेल लो यहां पर अपना छुपाई जो भी हाँ पर मेंबर है सारे मिलकर अगर हमको लगेगा कि कि उससे बेनिफिट यानी फायदा मिल रहा है तो हम लोग उस पिलर का पार्ट बन जाएंगे नहीं तो भाई साहब हमारी है टाटा बाय बाय सी यू टुमोरो ठीक है वो वाली बात है यहाँ पर तो ट्रेड पिलर ऐसा है जिसमें यहाँ पर हम लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया क्यों क्योंकि इसके ऊपर कई सारी पाबंदी लगा रहे हैं बोले कि तुमको जो भी ट्रेड करना है वो प्रॉपर वे में करना है उसमें जो भी सामान तुम बनाओगे वो इकोनॉमिक वे इन फ्रेंडली होना चाहिए कुछ भी ऐसे रूल और रेगुलेशन पर लगाए जा रहे हैं कि आप लेबर के ऊपर प्रॉपर पैटर्न में ये चीजें करनी मतलब हमारा देश को बढ़ने नहीं देना है वो तो वाली बातें हैं तो यहाँ पर फेयर इकोनॉमिक पिलर क्लीन इकोनॉमिक जो पिलर और इसी के साथ चेन तो उनके बारे में बात की गई पर ट्रेड वाली चीज हमको पसंद नहीं है। ठीक है? तो हमने बोला आथू इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ओके? बात की जा रही है कि यहां पर कौन सा स्टेट और यूनियन टेरेटरी है लॉन्गेस्ट रबर डैम ठीक है तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग टर्म आप लोग यहां पर देख सक रहे हैं ठीक है तो यहां पर रबर डैम की बात की जा रही है जिसका नाम यहां पर गैजी डैम रखा गया ठीक है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कहा ये सिक्किम उड़ीसा अरुणाचल प्रदेश या फिर बिहार तो सही आंसर आप लोग बताइए सोचकर इसको वीडियो को पोस्ट कर, कर आंसर क्या है सही आंसर यहां पर सही यह है बिहार के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इनोग्रेट किया गया इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम ठीक है तो यहां पर ग्याजी डैम बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल रहा है और ये एक रिवर है जिसका नाम है यहां पर जिसका नाम है यहां पर फलगुआ एफ ए एल फलगा मतलब फलगू बेसिकली बोलेंगे फलगू रिवर ठीक है

जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसको आप लोग अटैम्प्ट करिएगा और फिर इसके बाद में आंसर जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिल जाता है हालांकि पर वीडियो को पोज कर कर आप लोग अटैप्ट कर लो फिर आंसर बता देता हूँ तो आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर ही है ठीक है तो पूरा डिटेल में आप लोगों के सामने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके की एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है तो इसको आप लोग अटैम्प्ट कर लेना वन लाइनर टाइप के यहाँ पर बात की जा रही है ई बाल निदान के बारे में ठीक है तो ये क्या है यहां पर ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें जो बच्चों के खिलाफ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए यहां पर एक तरीके से जो भी दिक्कत है उसको सुना जाएगा तो इसके चलते यहाँ पर ऐसी जरूरत है खासकर हमारे देश में जब बच्चों के बारे में बात करते हैं तो कई सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है तो इसके चलते यहाँ पर इन सब चीज़ों को जरूरी है ढंग से इस्तेमाल किया जाए एन क्या है इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों से पढ़ाया जब भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर जब किसी बच्चे के साथ में कोई गलत दुर्घटना होती थी इसके बारे में मैंने बताया कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट तो ये हमारी कंट्री में एक स्टैचूटरी बॉडी है जो कि बनाई गई थी दो के एक्ट के हिसाब से ठीक है तो यहां पर ये कमीशन जो है ऑपरेशन में आया था 2007 में तो बच्चों से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं उनकी एजुकेशन प्रॉपर मिल रही है या नहीं वो सारी चीजें वो यहां से देखने को मिलती है ठीक है बी के अंदर में ये काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे पर्सनली और इसकी एक पिक्चर भी लगाई थी मैंने मैं सेव की थी पर लेकिन वो सेव नहीं हो पाई <laughs> फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड बनाया गया है यानी कि महिलाएं जो हैं उनको ऊंट पर बैठाया जा रहा है आप लोग ऐसा बोल सकते हैं एक तरीके से जो बॉर्डर वाला एरिया होता है ना वहां पर वो पहरेदारी करेंगे खासकर जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है राजस्थान और गुजरात के अंदर में ठीक है तो एक तरीके से सशक्तिकरण है महिलाओं का और कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ पर जो पुरुषों के साथ में ले जाने की कोशिश की जा रही है ऐसा बोल सकते हैं यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा अभी यहाँ पर बात की जा रही है रामकृष्ण मिशन ठीक है तो ये अवेकनिंग प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक से लेकर पांचवें क्लास के लिए यहाँ पर तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ताकि बच्चों के अंदर और जोश भरा जा सके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा चीफ मिनिस्टर फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की गई यहाँ पर एक से लेकर पांच क्लास के, के बच्चों के लिए एक से लेकर पांच के ऊपर इतना फोकस क्यों दिया जाता है उसके पीछे रीजन ये कि एक से लेकर पांच के जो बच्चे होते हैं अगर वो प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक वे में अगर उनका जो एक तरीके से सही गाइडेंस उनको मिल जाता है तो सोचो कि पूरी उम्र उनके आगे पड़ी हुई है कितने सही तरीके से हम लोग अपने देश को एक सही डायरेक्शन में ले सकते हैं तो ये रीजन रहता है झारखंड के अंदर रिजर्वेशन जो है एस सी के लिए वो सेवेंटी सेवन परसेंट यहाँ पर हो गया है तो ये एक मुद्दा है जो रिजर्वेशन का जो कि काफी ज्यादा न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलता है तो बेसिक है इंजीनियर्स डे जो है पर वो सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर में 15. को जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा ट्वेंटी सिक्स जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की जो चेयरमैनशिप यहां पर ये चेयर करती है तो यहां पर कई बार आप लोगों से पूछा जाता है जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पूछा गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन जाता है एस आई एम यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर उनके बारे में बात की जा रही है तो यहां पर इलेक्ट किया है विनोद अग्रवाल ऑफ Volvo जिनको यहां पर इसका प्रेसिडेंट बनाया गया नया ठीक है तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं वैसे वन लाइनर टाइप की ओके स्वीडन की जो प्राइम मिनिस्टर है यहां पर ये एक तरीके से इनकी भी पिक्चर मैंने लगाई थी वो भी सेव नहीं हुई दोनों की दोनों पिक्चर एक तो ऊंट वाली पिक्चर थी और एक इनकी पिक्चर थी चलिए कोई नहीं यहाँ पर इनका नाम आप लोग याद रख लेना यहाँ पर पी जिनका नाम है यहाँ पर मैंने एंडरसन तो इनके द्वारा अनाउंस किया गया रेजिग्नेशन क्यों क्योंकि इलेक्शन में हार गई हैं तो हार गए हैं मतलब अनाउंस क्या किया वो तो निकलना ही था फिर इनको ठीक है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं है आज यहां पर इसका नाम है बेसिकली क्या है यहां पर यह है मनसब मनसबलेक तो याद रखेगा मनसब लेक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट लेक है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए और ये कई बार आप लोगों को न्यूज में भी देखने को मिलती है तो यहां पर मनसबल ठीक है एम ए एन ए एस बी एल तो मनसबल जो लेक है यहां पर ये कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है और क्यों रिसेंटली अभी न्यूज में तो ये मैंने आप लोगों को बताया भी था तो एक मैप बेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का बन जाता है तैतीस साल बाद यहां पर ओपन किया गया एनसीसी कैडेट कोर्फ्स ठीक है तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो लोकेटेड है झेलम वैली के अंदर में श्रीनगर के अंदर में ये जो लेक है इसको यहां पर बर्ड्स पैराडाइज भी बोलते हैं यानी कि काफी शानदार एक एरिया है घूमने का टाइम मिलेगा तो यहां पर जरूर घूम के आना मेरा भी मिलेगा तो मैं भी घूमने जाऊंगा ठीक है मिलेंगे फिर वहां पर डीपेस्ट <laughs> लेक है इंडिया के अंदर में ये बहुत बड़ी बात है और नेम जो है इसका यहां पर ये रखा गया यहाँ पर, यह हाँ पर मंसबल लेक तो ये ड्राइव किया गया यहाँ पर लेक जो मानसरोवर लेक आप लोग को देखने को मिलती है और ये कहाँ पर है ये आप लोग बताइए तो ऐसे छोटे छोटे उस क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बनते हैं कई बार एक बच्चे ने पूछा गया कि सर जो भी यहाँ पर ये बीमारी हो रही है लंपी डिजीज यहां पर गाय को उनका दूध पीने से कोई दिक्कत है क्या मैंने आप लोगों को बताया अभी यहाँ पर एक गाइडलाइन इशू की गई गवर्नमेंट के द्वारा कि दूध इनका कोई भी इंपैक्टेड आप लोगों को नहीं करेगा नेगेटिव वे में क्योंकि राजस्थान में काफी लार्ज स्केल पर यह बीमारी जो है फैली ले माना जा रहा है कि साठ से सत्तर हजार के करीब गाँव गाय जो है उनकी डेथ यहाँ पर हो गई और मैं आप लोगों को बताऊ मेरे ताऊ जी की जो गाय है वही पिछले पंद्रह से बीस दिन से यहाँ पर काफ़ी बीमार चल रही है वो बैठ भी नहीं रही थी मतलब नहीं तेरे खड़ी खड़ी बेचैनी रहती है मतलब दो तीन दिन हो गए बैठी नहीं फिर उसको बैठा गया जबरदस्ती उसके पैर वैर में रस्सी डालकर ये सिचुएशन अभी यहाँ पर देखने को मिली तो देखो यार जल्दी से ठीक हो जाए वरना बहुत बुरी कंडीशन रहती है और किसान के लिए आप लोगों को पता है कि जानवर जो होते हैं बस वो उनके तरीके से धन होते हैं उनके लिए अगर उन्हीं को दिक्कत हो जाए तो ये समझो कि किसान जो है उसकी कमर टूट जाती है तो ये बीमारी बहुत सारे किसानों को जो है वो एक तरीके से रुला के जाने वाली है ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं तो इसके ऊपर काम करना चाहिए बेसिकली दवाई प्रॉपर अवेलेबल नहीं है अब तक तो ये था टोटल आज का डिस्कशन बताइए कैसा लगा आप लोगों को ये डिस्कशन जरूर बताना अगर कोई भी डाउट हो तो वो डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए और इसको आप लोगों को दूर करना है पूरे वीक में जो भी आप लोगों ने डिस्कस किया होता है उसको आप लोगों को रिविजन करना है और इसी के साथ में एक और छोटी सी बात आप लोगों का जो जीएस पेपर थ्री थर्ड होगा उसका डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इसलिए प्रॉपर तैयार रहिएगा इनके डिस्कशन आप लोगों के सामने आएंगे जीएस पेपर थर्ड और फोर का तो उनको भी आप लोग सुनना ठीक है प्रॉपर वे में आप लोगों को पता होना चाहिए अगर सीरियस कैंडिडेट है और यूपीएससी की आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग इसके ऊपर फोकस जरूर देना चाहिए तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बाकी फीडबैक जरूर देना जैसे भी आप लोगों को ये वीडियो लगती है बैलेंस डाइट कैसे लगती है और जोश हाई रखना है और शेड्यूल फॉलो करते रहना है अगर शेड्यूल फॉलो नहीं करना है तो फिर आप लोगों को यहाँ पर उसके लिए अपने आप को अकाउंटेबल भी ठहराना पड़ेगा ठीक है तो सॉरी जो बोला है वो जरूर उसके आगे नंबर लिखनी है पॉइंट नंबर वन बाकी जो प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो वो वेल्डन well आपना लिख सकता है कि शानदार तरीके से पूरा किया तो वेल्डन well ये फिर डन भी आप लोग लिख सकते हैं कि सर कंप्लीट हो गया है तो इस तरीके से यार लाइफ में कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाओ आप लोगों को मजा आएगा जिंदगी जीने में ठीक है तो ये था आज का डिस्कशन मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा तो अपना भी ध्यान रखिए अपने परिवार का मम्मी पापा का ध्यान रखिए एक तरीके से यह रेस्पॉसिबिलिटी है कि खुद भी खुश रहो और थोड़ा सा उनको भी खुश रखो और वो कैसे खुश रहेंगे आप लोग अगर टाइम पे सोगे उठोगे अपना शेड्यूल फॉलो करोगे और अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे अगर हेल्दी रहोगे आप लोग की सक्सेस ही इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो उनके लिए खुशी है अगर आप लोग अपनी लाइफ में अगर आप लोग सही तरीके से अपनी चीज़ें फॉलो कर रहे हो उनके लिए वही एक रिजल्ट है अगर ढंग से देखो आप लोग तो आप लोगों को उनको रिजल्ट देना है ठीक है आई होप कि आप लोग ये बातें समझोगे और एक अच्छा रिजल्ट दोगे उनको तो ऑल द बेस्ट अच्छे से एंजॉय कीजिए लाइफ को और आगे बढ़ते रहिए